यस पीपीपल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरन गुड इवनिंग टू ऑफ यू कैसे है? सब लोग होपो so, आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे मैं बता दू मैं भी बहुत अच्छा हूँ तो आज हम स्टार्ट करने वाले एक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसको रिटर्न फाइलिंग और असमेंट प्रोसीजर बोलते हैं और आपका मोस्ट अवेटेड रिविजन लेक्चर आपने बहुत सारे मैसेज किए कि सर रिटर्न फाइलिंग असेसमेंट प्रोसीजर वाला जो लेक्चर है वो फटाफट डाल दो तो मैंने सोचा चलिए आज अपन चालू करते हैं रिटर्न फाइलिंग असमेंट प्रोसीजर सबसे पहले बात करते हैं रिटर्न फाइलिंग की क्वेश्चन ही आता है रिटर्न किसको फाइल करना रहता है तो उसकी पहली सेक्शन होती और पार्टनरशिप फर्म को इंक्लूडिंग एल रिटर्न फाइल करना, तो ये ये है, LLP, फाइल करना है इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी पार्टनरशिप फर्म के में अगर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो गया या पार्टनरशिप फर्म का फॉर्मेशन हो गया तो आपको रिटर्न फाइल करना रहेगा एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन दे सकता है कि ट्वेंटी मार्च टू को किसी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है टिल थर्टी मार्च टू

मेकर्स बोलते हैं कि अगर कोई भी रेजिडेंट पर्सन है रेजिडेंट इंडिविजुअल और उसमें अदर देन आर बट आरब आर को छोड़ दीजिए और अगर छोड़ देते हैं तो मैं आपको पे बच जाएगा अगर है, वो ओनर है वो असेट इंडिया, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया तो बेटा इस बेनिफिशियल ओनर को इंडिया में अपना रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है मैंने क्या बोला देखो अगर कोई भी आर एंड ओ आर रेजिडेंट एंड ऑर्डनरीली रेजिडेंट है एंड वो बेनिफिशियल ओनर है एनी असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया जैसे मान लो दुबई में उसका घर है या फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया के उसका कोई है किसी का, जैसे उसके पास में रिटर्न तो फाइल करना मैंडेटरी है जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं मान लो मैं हूँ और मेरी इनकम जो है वो बेसिक एक्सम्सन से ज्यादा नहीं है लेकिन हुआ क्या कि मेरे पास मान लो दुबई में एक घर है तो क्या मुझे रिटर्न फाइल करना मैंने आंसर इज यस अगर मैं आर एंड ओ आर और मैं बेनिफिशियल ओनर एनी प्रॉपर्टी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया तो मुझे मनेरा रिटर्न इंडिया में फाइल करना पड़ेगा दूसरा पॉइंट ये बोलता है अब समझना कि अगर कोई आर एंड ओ आर है

क्या अगर बेनिफिशियल ओनर इंडिया में रिटर्न फाइल कर लेता है और बेनिफिशियल ओनर की इनकम में अगर वो इनकम इंक्लूड हो जाती है तो उस पर्टिकुलर केस में फिर बेनिफिशियरी को अपना रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है उसके बाद में एक और चीज आती है जो सबसे इंटरेस्टिंग और मेरे को लगता है एग्जाम में इस बार मई नवंबर 2023 में इससे रिलेटेड आपको मार्क के है, वो आ सकते है, बोलते हैं कि अगर आपके किसी भी करंट अकाउंट्स में एक या एक से ज्यादा करंट अकाउंट की बात कर रहा हूं उसमें अगर वन करोड़ से ज्यादा का अगर डिपॉजिट हुआ एक्सीडिंग वन करोड़ रुपए का डिपॉजिट हुआ है account, तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा मान लो ऊपर वाले जितने भी क्लॉजेस थे उसमें आप नहीं आ रहे हो लेकिन आपके पास में करंट अकाउंट है एक से ज्यादा करंट अकाउंट और टोटल सब मिला के करंट अकाउंट में एक करोड़ से ज्यादा का मोर देन वन करोड़ की बात हो रही है यहां पे मोर देन वन करोड़ अगर डिपोजिट हुआ है करंट अकाउंट में तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा करंट अकाउंट किसके साथ में बैंक के साथ कोऑपरेटिव बैंक के साथ है और उसमें जो डिपोजिट हुआ है वो मोर देन वन करोड़ है तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा एक्जैक्टली exactly वन करोड़ है तो आपको रिटर्न फाइल यहां नहीं करना अगर वन करोड़ से ज्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा अब एक और चीज समझना या फिर आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट्स है और सेविंग बैंक अकाउंट्स में आपका जो डिपॉजिट हुआ है वो 50 लाख रुपए और मोर हुआ है यहां पे सेविंग बैंक अकाउंट के लिए 50 लाख रुपए और मोर है इसका मतलब यहां exactly तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा बट लेस तो रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ेगा दोनों में फर्क है।, है, है।, है तो भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा दूसरा अगर आपने फॉरन ट्रेवल पे जो खर्चा किया है वो मोर देन टू लाख रुपेज किया है खुद के फॉरन ट्रेवल पे या किसी और ट्रेवल पे तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा उसके बाद में अगर इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंड है वो पूरे साल का मिला के वन लाख से ज्यादा का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर आपने किया है तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा उसके बाद में में अगर आप बिजनेस बिजनेस करते हो और में आपका टर्न ओवर है, है या प्रोफेशन के केस में आपका ग्रॉस रिसिट है वो लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा या फिर आपका जो टीडीएस टीसीएस डिडक्ट हुआ है या कलेक्ट हुआ है प्रीवियस ईयर में वो ट्वेंटी फाइव या उससे ज्यादा है ट्वेंटी फाइव या उससे ज्यादा है और सीनियर सिटीजन के केस में फिफ्टी या उससे ज्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा तो देखिए बेटा रिटर्न किस किस को फाइल करना पड़ेगा तो आप बोलोगे सबसे पहले देखो कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म के लिए मैंडेटरी है अदर असेसी के लिए तभी फाइल करना है, जब ग्रॉस टोटल इनकम बट बिफोर क्लेमिंग क्लेम अंडर सेक्शन का एक्समशन लेने से पहले वाला बेसिक एक्शन से ज्यादा तो रिटर्न फाइल तो करना ही करना है

प्राइसिंग लगता है और जिनको नवंबर एंड का का बाकी जितने भी लोग आप और मैं बच गए गरीब लोग उनके लिए थर्टी जुलाई ऑफ ईयर है वो आपका फाइलिंग का रहेगा। अब इसमें एक और चीज समझदा मैंने आपको बताया कि जो भी पार्टनर किसी पार्टनरशिप फर्म का है तो पार्टनरशिप फर्म का जो पार्टनर रहेगा

होती होती है है की वो वाइफ में इक्वली डिवाइड और वाइफ की इनकम हस्बैंड में इक्वली डिवाइड होती है तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर मान लो कोई पार्टनर है और वो पार्टनर पोर्चुगी पर्सन है जो गोवा दीव दवन या फिर दादर नगर हवेली में वहां पे रहता है गर गर और वो पर्सन जो है अगर उसके लिए उसकी वो पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर है और पार्टनरशिप फर्म की ऑडिट हो रही है तो, उस की वो हो हो जाएगी तो उसकी जो ना, उसके लिए पार्टनर तो उस के लिए भी थर्टियथ नवंबर हो जाएगी तो उस पर्टिकुलर केस में उसकी स्पाउस के लिए भी थर्टियथ नवंबर हो जाएगी अब एक और चीज समझना एक सेक्शन आती है कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल के कुछ लोगों को

इन्वेस्टमेंट फंड है वो इंडिया के आईएफएससी में लोकेटेड है इन्वेस्टमेंट फंड का मतलब होता है 1 और 2 AIF, fund, जो हमने पढ़ा था तो अगर कोई नॉन रेजिडेंट फॉरन कंपनी है उसने इन्वेस्टमेंट किया है इन्वेस्टमेंट फंड में और इन्वेस्टमेंट फंड में है, और जब देता है उस नॉन रेजिडेंट फॉरन कंपनी को उस पर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट फंड ने टीडीएस काट लिया फोर एलबी जब टीडीएस ऑलरेडी फोर में काट लिया है और सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा करा दिया है तो उस पर्टिकुलर नॉन रेजिडेंट कंपनी यूनिट होल्डर को इंडिया में अपना रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है लेकिन एक चीज समझना इसमें कंडीशन है कि उस नॉन रेजिडेंट फॉरन कंपनी की सिर्फ यही इनकम होनी चाहिए ओनली इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट फंड है तो ही उसको रिटर्न फाइल नहीं करना अदरवाइज उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा लेकिन इसमें एक और चीज समझना अगर मान लो यहां पे डिपार्टमेंट ने उसको नोटिस भेजा अंडर सेक्शन 142 फोर्टी का नोटिस या 148 का नोटिस तो तो उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा यानी आंसर इज यस तो उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा उसके बाद एक सेक्शन आती है दैट इज द लॉस रिटर्न ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर मान लो आपको किसी को लॉस हो जाता है तो लॉस के केस में भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा यानी आंसर इज यस क्योंकि यहां पर एक सेक्शन होती है एटी करके और एटी है सेक्शन एटी ये बोलती है कि अगर आपको किसी भी साल में लॉस हो जाता है अंडर द हेड पीजीबीपी अंडर द हेड कैपिटल गेन या अंडर द हेड ओनिंग अगर आपने फाइल नहीं किया तो वो को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे मिस आप उसको अगले साल है वो नहीं ले जा पाओगे लेकिन सर एक बात समझना यहां पे एक्सेप्शन है कि अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है या है उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं इवन आपने रिटर्न लेट फाइल किया है तो भी आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यहां पर मैं बोल रहा हूं कि अगर आपका कैपिटल गेन हेड का लॉस है बिजनेस का लॉस है ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज का लॉस है उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते लेकिन क्या आप उसको सेट ऑफ कर सकते आंसर इज यस आप सेट ऑफ कर सकते हैं लेकिन उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे एक और चीज समझना यहाँ पे जिस ईयर में लॉस होता है ना उस ईयर का रिटर्न आपको टाइम पे फाइल करना है तो जैसे पीजीबीपी का कर दिया अब अगले साल फाइल नहीं, तो नहीं पड़ता है अब एक और अगर मान लो खुदा ना खासा किसी रीजन की वजह से आप रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं कर पाए और लॉसेस का केस था और जेन्युन रीजन की वजह से आप टाइम पे फाइल नहीं कर पाए तो मेकर्स बोलते हैं कुछ नहीं आप एक काम करिए सीबीडीटी को एक एप्लीकेशन करिए अगर जेनुअन रीजन है तो और

पे फाइल नहीं किया। आपके लिए ड्यू डेट डेट होती होती है वो 31 July, 31 October, 30th होती है वो जुलाई, अक्टूबर, नवंबर और उस तक अगर आपने रिटर्न 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 फाइल 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 नहीं किया तो क्या आप आप कर कर सकते yes, आप कर सकते हैं? हैं आंसर यस लेकिन रिटर्न फाइल करने का टाइम लिमिट क्या रहता है पता है?

कुछ भी ऐसी चीज होगी एरोनियस वगैरह हो गया और आप चाहते हैं कि उसको रेक्टिफाई करना तो क्या हम उसको रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं आंसर इज यस आप कर सकते हैं लेकिन रिवाइज रिटर्न आप तभी फाइल कर सकते हैं जब पहला रिटर्न आपने फाइल किया था अंडर सेक्शन वन थर्टी नाइन वन में वन थर्टी नाइन थ्री में या वन थर्टी नाइन फोर में यहां पर लॉ में लिखा हुआ वन थर्टी नाइन वन

रूरल हाउसिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2012 का क्वेश्चन ही आता है कि जैसे मान लो आपने रिटर्न फाइल किया था और रिटर्न फाइल किया था उसमें कोई ओमिशन हो गया मिस्टेक हो गया आपको कोई फ्रेश क्लेम लेना है तो क्या आप सीधा एक रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ इनकम भेज सकते हो रिवाइज रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो आप एक पेपर पे लिख के दे रहे हो करके स्टेटमेंट लिख के दे रहे हो करके ठीक है कि ये ये गलती थी पर, प्लीज सुधार दो या ट्विटर पे टैग कर रहे हो ऐसा नहीं चलेगा लॉ मेकर्स पे यहां पे ये बोलते हैं कोर्ट ने ये बोला कि जब भी आपको कोई भी ऐसा कोई फ्रेश क्लेम लेना है करके ठीक है तो आपको रिवाइज रिटर्न ही फाइल करना पड़ेगा यू हैव टू फाइल द रिवाइज रिटर्न फाइल करके ही आप कर सकते हैं सिर्फ एक रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ इनकम है वो सबमिट करके आप अपना जो पुराना रिटर्न है उसको चेंज नहीं कर सकते उसके बाद एक सेक्शन होती है वन थर्टी नाइन नाइन दैट इज द डिफेक्टिव रिटर्न अब एक बात समझना ये सेक्शन

और ये 272 ए का पेनल्टी लगेगा फाइव हंड्रेड रुपीज पर डे अर्लियर वन हंड्रेड रुपीज पर डे हुआ करता था बट अब ये पांच सौ रुपया और बोला 500 पर का आपको पेनल्टी लग जाएगा उसके बाद में अपना रिटर्न है बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी तो मेकर्स बोलते हैं इनकी जो इनकम है वो एक्ट होती है पहले वाला इनकम बेसिक एक्समशन से ज्यादा तो पॉलिटिकल पार्टी को अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा

जो भी बिजनेस ट्रस्ट होते हैं रिट और इनविट उनको अपना रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है और जो भी इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं उनको अपना रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है तो लास्ट के तीन सेक्शन जो है ना 139, थर्टी नाइन फोर डी फोर ई और फोर एफ इनको अपना रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है लेकिन बेटा ऊपर वाले जो फोर ए फोर बी एंड फोर सी फोर ए था ट्रस्ट के फोर बी था पॉलिटिकल पार्टी के लिए एंड फोर सी है सर्टेन इंस्टीट्यूशन के लिए उनको रिटर्न तभी फाइल करना है जब एक्समिशन लेने से पहले वाला इनकम उनका बेसिक एक्समशन से ज्यादा है नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दैट इज द वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न या जिसको पहले साइनिंग ऑफ रिटर्न बोलते थे क्वेश्चन ये आता है कि रिटर्न को साइन कौन करेगा तो मैं बता दू रिटर्न को साइन या वेरीफाई करना पड़ता है आजकल ओटीपी वगैरह से तो वेरीफाई कौन करेगा तो बड़ा सिंपल है इंडिविजुअल का रिटर्न है वो इंडिविजुअल खुद ही वेरीफाई कर लेगा लेकिन अगर मान लो इंडिविजुअल इंडिया में नहीं है या इंडिविजुअल जो है वो मेंटली डिस्टर्ब है तो उस पर्टिकुलर केस में उसका रिटर्न जो है

तो कोई भी दूसरा पार्टनर कर सकता है या फिर एनी पर्सन में गवर्नमेंट है वो कर सकता है अभी एनी पर्सन प्रिस्क्राइब कौन होता है अभी मैं बताता हूं कंपनी के केस में मैनेजिंग डायरेक्टर करेगा बट मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है तो कोई भी दूसरा डायरेक्टर कर सकता है या एनी अदर पर्सन में भी प्रिस्क्राइब है वो कर सकता है कंपनी अगर लिक्विडेशन में है तो लिक्विडेटर करेगा कंपनी का एप्लीकेशन अगर आईबीसी में एडमिट हो चुका है आईबीसी जो है सी एंड बैंक करपसी कोड अगर आईबीसी में उसका एप्लीकेशन एडमिट हो गया है तो उस पर्टिकुलर केस में जो इन्सोलवेंसी प्रोफेशनल रहेगा वो है वो रिटर्न को वेरीफाई करेगा पॉलिटिकल पार्टी के केस में सीईओ करेगा लोकल अथॉरिटी के केस में प्रिंसिपल ऑफिसर करेगा एंड एनी अदर पर्सन के केस में जो पर्सन कॉम्पिटेंट टू वेरीफाई द रिटर्न है वो पर्सन है वो रिटर्न को वेरीफाई करेगा अब एक और चीज समझना मैंने यहाँ पे एल केस में कंपनी के केस में एलएलपी के केस में डिजिनेटेड पार्टनर या फिर दूसरा पार्टनर या एनी पर्सन मे बी प्रिस्क्राइब और कंपनी के केस में मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर एनी अदर डायरेक्टर और एनी पर्सन मे बी प्रिस्क्राइब अब कौन है तो यहां पे लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर पर्सन अपॉइंटेड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर डिस्चार्जिंग द ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ द इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल या फिर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल या लिक्विडेटर एज द केस अंडर द आईबीसी 2016 अगर कंपनी है या एलएलपी है वो अगर आईबीसी में है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में है तो उस पर्टिकुलर केस में अगर किसी भी पर्सन

क्वेश्चन यहां सर आप बोल रहे हो कि पेन इनऑपरेटिव हो जाएगा नेगेटिव आ जाएंगे लेकिन यहां पे क्या हुआ सीबीडीटी ने क्लेरिफाई किया और सीबीडीटी बोलती है कि देखो, आपका तो हो जाएगा, 2022 से, लेकिन एक चीज समझना मार्च थ्री इसका मतलब आप पे नेगेटिव टू थाउजेंड अप्रैल थ्री से आने चालू होंगे फर्स्ट अप्रैल टू आप पे नेगेटिव से आने चालू हो जाएंगे आपका जो केवाईसी है वो इनवैलिड हो जाएगा एज वे well जहां पर भी आप पेन नंबर दोगे वो अगर मान लो लिंक नहीं है तो माना जाएगा 2023 से आएंगे। अब एक और उसके बाद में भी करा सकते हैं है, लेकिन उसमें आपको फीस लगेगा और वो फीस दे रखी है अंडर सेक्शन टू थर्टी फोर एच में और टू थर्टी फोर एच में फीस कितना दे रखा है लिंक कराया फर्स्ट अप्रेल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू से लेकर

सबसे पहले अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जिसकी इनकम प्रीवियस ईयर में बेसिक एक्सामिशन से ज्यादा हो जाती है उसकी खुद की इनकम या किसी और पर्सन की इनकम जो उसकी इनकम में जुड़ रही है जैसे क्लबिंग के केस में होता है तो यहां पर लॉ बोलता है कि कोई भी पर्सन है जिसकी इनकम बेसिक एग्जामिशन से ज्यादा हो जाती है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको क्या करना पड़ेगा थर्टी फर्स्ट मे ऑफ द असेसमेंट ईयर तक आपको पेन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा दूसरा अगर आप कोई बिजनेस करते हो या प्रोफेशन करते हो और आपका टर्न ओवर फाइव से ज्यादा हो जाए अगर आप बिजनेस करते हो या प्रोफेशन करते हो और आपका टर्न जाता है वो फाइव से हो जाते हो। उस पर्टिकुलर केस में उस प्रीवियस ईयर के एंड तक आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा जो भी चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं उनको जिस ईयर में आप ट्रस्ट बनाते हो उस ईयर के एंड तक थर्टी मार्च तक आपको क्या करना पड़ेगा पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा उसके बाद में यहाँ पे लोग लो बोलते हैं कि अगर कोई भी पर्सन जो रेजिडेंट है इंडिविजुअल को छोड़ के पूरे फाइनेंशियल ईयर में मिस प्रीवियस ईयर में अगर कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में वो एंटर कर रहे हैं और एग्रीगेट फिनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो टू लैख फिफ्टी थाउजेंड या उससे ज्यादा है तो नेक्स्ट ईयर थर्टी फर्स्ट मे ऑफ द असेसमेंट ईयर तक उसको क्या करना पड़ेगा पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा अब एक और चीज़ समझना अगर मान लो यहाँ पे एवरी पर्सन बींग रेजिडेंट में अगर यहां कंपनी है पार्टनरशिप फॉर्म वगैरह है तो उस कंपनी के जितने भी जितना भी, जो एम डी रहेगा उसके जितने भी डायरेक्टर रहेंगे उसके जितने भी पार्टनर रहेंगे उनको भी क्या करना पड़ेगा पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा टिल थर्टी फर्स्ट मे ऑफ द असेसमेंट ईयर तो मैंने यहाँ पे आपको फाइव पीपल बताए जिनको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा कौन कौन से पांच लोग सबसे पहले अगर आपका इनकम प्रीवियस ईयर में बेसिक एग्जामेशन से ज्यादा हो जाता है तो उस पर्टिकुलर केस में असेसमेंट ईयर के थर्टी फर्स्ट तक आपको पैन के लिए अप्लाई करना है दूसरा अगर प्रीवियस प्रीवियस ईयर ईयर में 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 आपका है है या ग्रॉस रिसिट प्रोफेशन के के केस केस से ज्यादा हो जाता है, तो उस में, उस पर्टिकुलर एंड तक ही आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा जो भी चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं उस प्रीवियस ईयर के एंड तक उनको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना रहता है उसके बाद में अगर कोई भी रेजिडेंट पर्सन इंडिविजुअल को छोड़ के क्या कर रहा है किसी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में एंटर कर रहा है और पूरे साल के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो टू लैख फिफ्टी थाउजेंड या उससे ज्यादा है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और

लाख या उससे ज्यादा का फाइनेंशियल ईयर में किसी भी अकाउंट में आपका ट्वेंटी लाख या उससे ज्यादा का कैश हो रहा है अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो आपको नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा या फिर कैश विद्रॉल हो रहा है ट्वेंटी लाख रुपए और मोर इन फाइनेंशियल ईयर वन और मोर अकाउंट विद द बैंक और कोऑपरेटिव बैंक कैश विद्रॉ हो रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में भी आपको क्या करना पड़ेगा बेटा यहां पे पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा जैसे मान लो मेरी मम्मी का जनधन अकाउंट है जनधन अकाउंट में उसने दो तीन बैंक में अकाउंट खोल रखे तो सब में मिला के अगर मान लो ट्वेंटी लाख से ज्यादा का ट्वेंटी लाख रुपए या उससे ज्यादा का कैश डिपोजिट

से एटलीस्ट सेवन डेज पहले है वो आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा अब एक चीज समझना आपका जो पैन कार्ड होता है ना वो ये कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जहां पे आपको लगाना पड़ता है जैसे फॉर एन एक्साम्पल आप कोई मोटर व्हीकल परचेस कर रहे हैं सेल कर रहे हैं वहां पे आपको पैन कार्ड लगाना पड़ता है टू व्हीलर को छोड़ के या फिर अगर मान लो आप कोई भी बैंक अकाउंट खोलते हैं बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट को छोड़ के तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ता है डीमेट अकाउंट खोलते हैं तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ता है करके ठीक है उसके बाद में किसी होटल रेस्टोरेंट का पचास से ज्यादा का अगर आप कैश में पेमेंट करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है पैन कार्ड लगाना पड़ता है तो यहाँ पे कुछ लिस्ट दे रखिए सीए फाइनल लेवल पे अगर आप लिस्ट ये नहीं भी पढ़ोगे तो एक बार के लिए चल जाएगा करके ठीक है चलिए

लिंक है तो उस पर्टिकुलर केस में आप पैन कार्ड की जगह आधार कार्ड देंगे तो वो आपका सफिशियंट कंप्लाइंस माना जाएगा दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि अगर मान लो कोई पर्सन ऐसा है जिसके पास में पैन कार्ड नहीं है कोई पर्सन ऐसा जैसे मेरी मोम है मेरी मोम के पास में पैन कार्ड नहीं था तो मेरी मोम कहीं पे पैन कार्ड देना था बट मेरे मोम के पास में पैन कार्ड नहीं है तो मोम क्या करेगी वहां पैन कार्ड की जगह आधार कार्ड दे सकती है वहां पैन कार्ड की जगह आधार कार्ड दे सकती है और उस पर्टिकुलर केस में ये माना जाएगा कि मेरी मॉम ने पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विदाउट एनी फीस विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन मेरी मॉम को पैन कार्ड अलॉट कर देगी तो यहां पर दो पॉइंट है है पहला तो क्या है? अगर आपका पैन और आधार ऑलरेडी लिंक हो चुका है तो आप क्या कर सकते हैं पैन कार्ड की जगह अपना आधार नंबर दे सकते हैं दूसरी चीज ये है कि अगर मान लो मेरी मॉम को कहीं पैन कार्ड लगाना है बट पैन कार्ड मॉम के पास नहीं है और मॉम के पास आधार नंबर है तो मॉम है वो आधार नंबर दे सकती है लेकिन अगर आधार नंबर जैसे ही दिया उस केस में ये मान लिया जाएगा कि मॉम ने पैन कार्ड

यह लगाया गया है सेक्शन 139 वन के जो सिक्स पॉइंट में मैंने आपको बताया था 139 139 ए के जो सिक्स पॉइंट में मैंने आपको बताया था ये कि अगर आप कैश डिपॉजिट पूरे साल में मिला के ट्वेंटी लाख या उससे ज्यादा का कर रहे हो या फिर कैश विद्रॉ ट्वेंटी लाख या उससे ज्यादा का कर रहे हो या फिर आप करंट अकाउंट है कैश क्रेडिट अकाउंट वगैरह आप खोल रहे हो तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा ना बेटा कि आपको ये ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा कि भैया जो भी आप पैन कार्ड बता रहे हो वो पैन कार्ड आप ही का है आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा एज वेल एज बैंक भी ये वेरीफाई करेगी कि ये ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है जैसे मान लो एच बैंक के अकाउंट में आप पच्चीस लाख रुपए डिपोजिट करा रहे हो कैश तो उसमें जो पर्सन डिपोजिट करा रहा है उसको अपना पेन जो है उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा एज वेल एस बैंक भी ये चेक करेगी कि ये ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है लेकिन इसमें अगर कैश डिपॉजिट या कैश विद्रॉ कर रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या फिर काउंसलर ऑफिस है वो लोग कर रहे हैं तो उन पे ये पॉइंट नहीं लगेगा अब एक चीज समझना अगर मान लो आपको यहां पे कुछ पेनल्टीज लगती है पेनल्टीज क्या है टू सेवेंटी टू बी की पहला तो यह है कि जहां पे पैन कार्ड लगाना था करके ठीक है मान लो आपको पैन के लिए अप्लाई करना था आपकी इनकम बेसिक एक्समशन से ज्यादा है पैन कार्ड होना चाहिए बट आपके पास पैन कार्ड नहीं है या टर्न ओवर फाइव से ज्यादा है पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास नहीं है तो आपको टेन का पेनल्टी लगेगा दूसरा यह है कि अगर मान लो किसी ट्रा, ट्रांजेक्शन या डॉक्यूमेंट में आपको पैन कोड करना था और आपने क्या किया वहां पर गलत पैन डाल दिया आपको जो पेन कोड करना था आपने गलत पेन डाल दिया तो टेन थाउजेंड ईच डिफॉल्ट का आपको पेनल्टी लगेगा उसके बाद में अगर मान लो आपको कोई भी ऐसा जैसे बैंक में डिपोजिट करना है ट्वेंटी लैक्स से ज्यादा तो आपको पेन को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा या आपका है अगर वो ऑथेंटिकेट आपने नहीं किया तो टेन थाउजेंड रुपीज पर डिफॉल्ट का आपका पेनल्टी लगेगा और दूसरा बैंक जो है उसको यह इन्श्योर करना पड़ेगा कि यह पेन आप ही का है या नहीं आपने उसको ऑथेंटिकेट किया है या नहीं और बैंक ने अगर वो एंश्योर नहीं किया तो बैंक को भी टेन थाउजेंड रुपीज का पेनल्टी यहां पे लग जाएगा उसके बाद एक सेक्शन आती है 139 बी दैट

क्लियर किया है वो लोग टीआरपी बन सकते हैं उसके बाद एक सेक्शन होती है वन थर्टी नाइन सी दैट इज कॉल्ड एनेक्चर लेस रिटर्न ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर मान लो

इंटरेस्ट से और उसके बाद एडजस्ट होगा टैक्स से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और ये एग्जाम में आने वाला है इस बार दैट इज द सेक्शन 139 थर्टी नाइन एट ए दैट इज द अपडेटेड रिटर्न और इसी साल से ये सेक्शन आई है तो आपके एग्जाम में ये समझ के चलिए कि चार मार्क का क्वेश्चन आपको यहां से मिलने वाला है अपडेटेड रिटर्न से अब एक बात समझना है, ये अपडेटेड रिटर्न क्या होता है तो हमने अभी तक तो क्या पढ़ा कि अगर आपकी रिटर्न फाइलिंग की डेट जो है, वो 31 या 31 या 30 तक है अगर आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाए तो आप कर सकते है, कब तक? 31 ये, ये बोलती है कि अगर मान लो किसी भी ईयर का आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो उस पर्टिकुलर केस में या फिर रिटर्न फाइल किया है तो उस पर्टिकुलर केस में अगर आप उसको अपडेट करना चाहते हो तो आप

प्रीवियस so ईयर के लिए असेसमेंट है अब एक बात समझिए ये कब कंप्लीट होगा थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउंड ट्वेंटी थ्री को कंप्लीट होगा असेसमेंट ईयर और एक बात समझना यहां से टू ईयर्स का टाइम यहां से टू ईयर्स का टाइम इसका मतलब थर्टी फर्स्ट मार्च एंड टू थाउजेंड ट्वेंटी इस डेट तक आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन वन थर्टी नाइन एट ए में अब आप बोलेंगे इसमें तो मजा आ जाएगा अच्छी चीज है यार अपन आराम से अगर असेसमेंट ईयर का थर्टी फर्स्ट दिसंबर तक ही आप बीलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते थे उसके बाद आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं कब तक थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव तक लेकिन एक चीज समझना अगर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं ना तो आपको अपडेटेड रिटर्न में जो भी टैक्स आएगा अलोंग विदे ट्वेंटी यहां से एक साल इसका मतलब थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर सो थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर यहां तक अगर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर केस में ट्वेंटी ऑफ एडिशनल

पे करना पड़ेगा लेकिन क्वेश्चन यहां कि सर अपडेटेड रिटर्न कौन फाइल कर सकता है तो मैं बताऊं अपडेटेड रिटर्न कोई भी फाइल कर सकता है भले आपने पहले रिटर्न फाइल किया है या नहीं किया पहले आपने रिटर्न फाइल किया है या रिटर्न फाइल नहीं किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं सो अपडेटेड रिटर्न कैन बी सबमिटेड बाय एनी पर्सन वेदर और नॉट ही द रिटर्न अंडर सेक्शन 139 139 4 पहले अगर आपने रिटर्न फाइल किया ही नहीं है तो भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं और अगर आपने पहले रिटर्न फाइल किया है तो भी आप उस रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं टाइम लिमिट रहेगा टू ईय फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर लेकिन एक चीज समझना यहां पे कुछ चीजें हैं वो आपको ध्यान देनी पड़ेगी सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर मान लो आपने पहले रिटर्न फाइल किया था अंडर सेक्शन 1391 वन और उसमें लॉस था तो जब भी लॉस था तो क्वेश्चन ही आता है क्या हम अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं और उसमें लॉस बता सकते हैं आंसर इज नो अपडेटेड रिटर्न है वो कभी भी आपका रिटर्न ऑफ लॉस नहीं हो सकता वो हमेशा आपका रिटर्न ऑफ इनकम ही होना चाहिए अपडेटेड रिटर्न है वो हमेशा रिटर्न रिटर्न ऑफ इनकम ही होना चाहिए अब एक और चीज समझना आपने अगर मान लो को अपडेट कर दिया और वो लॉस को आपने क्या किया प्रॉफिट में बदल दिया और अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दिया चलेगा अब एक चीज समझना वो लॉसेस को अगले साल आपने सेट ऑफ भी तो किया होगा तो वो वो अगले साल का भी आपको फिर क्या करना पड़ेगा अपडेटेड रिटर्न है वो फाइल करना पड़ेगा

चीजें ऐसी है जहां पे आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते कहां कहां पे पहला तो अपडेटेड रिटर्न है वो आप रिटर्न ऑफ लॉस फाइल नहीं कर सकते

रिफंड नहीं ले सकते या फिर इंक्रीज इन द रिफंड नहीं कर सकते इसका मतलब यह हुआ कि जैसे फॉर एन एग्जाम्पल पहले आपका जो है वो रिफंड आपने लिया था अब एक बात समझना आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करके और क्या रिफंड को बढ़ा सकते हैं आंसर इज नो वैसा आप नहीं कर सकते एक और चीज समझना कुछ केसेस और है जहां पर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे सबसे पहली चीज अगर आपके केस में रेड हो गई थी

फाइल नहीं कर पाएंगे अब एक चीज समझना भैया जिस ईयर में रेड हुई थी जिस ईयर में सर्वे हुआ था उस ईयर एज वेल एज उसके पहले वाले इयर का फिर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे मतलब जिस ईयर में रेड हुई उस ईयर जैसे फॉर एन एक्साम्पल यहां पर मैंने एक्साम्पल भी दिया है टेंथ में टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव को रेड हुई तो टेंथ में टू थाउजेंड ट्वेंटी को रेड हुई इसका मतलब प्रीवियस ईयर ट्वेंटी असेसमेंट ईयर ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन तो असेसमेंट ईयर ट्वेंटी सेवन एज वेल एज अर्लियर प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर के लिए अर्लियर वाले वेयर के लिए आप जो है अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते एक और चीज समझना अगर आपने एक बार अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दिया तो क्या उसी साल का वापस से अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं आंसर इज नो अगर आप अपडेटेड रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं तो वापस उसी ईयर का अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते एक और चीज समझना अगर आपका असेसमेंट है वो असेसमेंट 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 या या तो तो पेंडिंग है, 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 चल रहा है, या आपका कंप्लीट हो गया है, तो उस पर्टिकुलर केस में उस ईयर के लिए आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते असेसमेंट या तो चल रहा है या असेसमेंट आपका कंप्लीट हो गया है तो उस ईयर के लिए आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते एज वेल एज एक और चीज समझना अगर एओ के पास में ये है कि भैया आपकी जो इन्फॉर्मेशन एओ को जो मिली है किसी भी रिलेवेंट असेसमेंट ईयर से रिलेटेड और वो एओ को इन्फॉर्मेशन मिली है आइदर अंडर द प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट या फिर ब्लैक मनी एक्ट या इंपोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट टैक्सेंड एंड लॉन्ड्रिंग सॉरी ब्लैक मनी वाला एज वेल एज द प्रोहबिटेशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट नाइनटीन एटी एट और द स्मगलर्स और फॉरन एक्सचेंज मैनपुलेटर फॉर फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नाइनटीन सेवेंटी सिक्स अगर ये एओ के पास में इंफॉर्मेशन है और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको बता दी गई है इन्फॉर्मेशन

निकाल दीजिए और पहले जितना टैक्स पे किया हुआ है, वो लेस कर जो भी बचेगा पे करना बन जाएगा और यहां पर मैंने दो क्वेश्चन दे रखे क्वेश्चन नंबर वन आप देख के क्वेश्चन नंबर टू आप नहीं भी देखेंगे तो चलेगा क्योंकि क्वेश्चन टू बहुत बड़ा है जिसमें पहले एक बार रिटर्न फाइल किया था अब आप वापस रिटर्न फाइल कर रहे तो उसमें इंटरेस्ट के कैलकुलेशन वगैरह कैसे आएंगे कैसे आएगा वो सब मैंने यहां पर बता रखा है उसके बाद में हम चलते हैं डिपार्टमेंट की तरफ और डिपार्टमेंट की तरफ जब आप चलते हो तो एक सबसे पहली सेक्शन आती है 1421 1421 इसको मैं बोलता हूं रिया वाला नोटिस दैट इज रिटर्न इंफॉर्मेशन एंड अकाउंट्स क्या बोला रिटर्न इंफॉर्मेशन एंड अकाउंट अब एक चीज समझना 1421 के दो पार्ट होते हैं 14211 एंड ये बोलता है कि अगर असेसी ने रिटर्न फाइल नहीं किया है एस ने अगर रिटर्न फाइल नहीं किया है तो डिपार्टमेंट के पास ये पावर है एओ के पास ये पावर है कि एओ है वो एस को एक नोटिस भेज के और उससे रिटर्न मंगवा सकता है

है, वो आपको तब आ सकता है भले आपने रिटर्न फाइल किया था या नहीं किया था आपको वो नोटिस आ सकता है उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन आती है वन टू है दैट इज द स्पेशल ऑडिट स्पेशल ऑडिट क्या होता है कि डिपार्टमेंट आपकी ऑडिट कराता है एक बात समझना असेसिंग ऑफिसर है वो आपका असेसमेंट कर रहा था और जब असेसमेंट कर रहा था और असेसमेंट करते टाइम उसको लगा कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब हो सकता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है करके या उसको डाउट है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की करेक्टनेस को लेकर या फिर मल्टीपिसिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन वगैरह है तो उस पर्टिकुलर केस में अगर एओ को यह लगता है कि इसका स्पेशल ऑडिट कराना डिपार्टमेंट के लिए बेनिफिशियल हो सकता है तो असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा असेसिंग ऑफिसर आपको स्पेशल ऑडिट के लिए डायरेक्शन दे सकता है और बोल सकता है कि आपकी

उेंट को वो नॉमिनेट कर लेगा अब एक और चीज समझना अगर मान लो यहां पे

करिए ठीक है या फिर मान लो किसी थ्री मंथ की स्पेशल ऑडिट करानी है वैसा हो सकता है अब एक और चीज समझना अगर मान लो आप स्पेशल ऑडिट में कॉपरेट नहीं करते हो आप स्पेशल ऑडिट में कॉपरेट नहीं करते हो तो उस पर्टिकुलर केस में असेसिंग ऑफिसर के पास में पावर है सबसे पहले तो वो टेन थाउजेंड रुपीज का आप पे पेनल्टी लगा सकता है टू सेवेंटी टू ए में और आपका असेसमेंट है वो वन फोर्टी फोर में हो सकता है बेड जजमेंट असेसमेंट में बेड जजमेंट असेसमेंट में आपका असेसमेंट है वो हो सकता है अब एक और चीज समझना स्पेशल ऑडिट जब भी सीए करेगा क्वेश्चन यहाँ आता है कि सर सी का रेम्युनरेशन कौन पे करेगा सीए का रेम्युनोरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से जाएगा जो मोदी सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड है उससे सीए का रेम्यूनरेशन जाएगा अब सीए जो है वो अपनी रिपोर्ट किसको देगा एस को देगा, असेसी को देगा? देगा असेसी वो रिपोर्ट किसको देगा एओ को देगा और एओ उस रिपोर्ट में जो भी फाइंडिंग निकली अगर उसको असेसमेंट पे इंपैक्ट डालना है तो वो असेसमेंट में उसको इनकॉर्पोरेट करने से पहले एक बार अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर देगा किसको असेसी को और उसके बाद ही उसको इनकॉर्पोरेट करेगा असेसमेंट में उसके बाद एक सेक्शन आती है वन ए दैट इज द रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर ये सेक्शन क्या बोलती है कि अगर असेसिंग ऑफिसर आपका असेसमेंट कर रहा है और असेसमेंट करते टाइम उसको क्या हुआ कि किसी भी अगर असेट की प्रॉपर्टी की या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकलवानी है तो वैल्यू निकालने के लिए आपका केस है वो वैल्यूएशन ऑफिसर को एओ

डिफरेंसेस है तो वो कंसिडर करेगा अदरवाइज है वो क्या कर सकता है इग्नोर भी कर सकता है उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आती है 142 142 बी बी क्या बोलती है

आपको एक बार इंटीमेट किया जाएगा कि हम ये चेंजेस कर रहे हैं और आपको नॉर्मली टाइम दिया जाएगा कि आप अगर अपना कोई भी पॉइंट रखना है तो वो रख सकते हैं आपको पता रहेगा आजकल ऑनलाइन होता है और ऑनलाइन आपको पूछा जाता है इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है करके ठीक है वो आप कर सकते हैं और उसके बारे में आप अपना एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं अब एक बात समझना आप ऑनलाइन इसका एक्सप्लेनेशन दे देते हैं उसके बाद में वो लोग क्या करते हैं उसको कंसिडर करते हैं आपके रिप्लाई को और कंसिडर करने के बाद में वो फाइनल इंटीमेशन जनरेट करते हैं और फाइनल इंटीमेशन आपको भेज देते हैं लेकिन फाइनल इंटीमेशन आपको कब तक आएगी फाइनल इंटीमेशन आपको इश्यू होगी विदिन नाइन मंथ फ्रॉम फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न वॉज फाइल मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने रिटर्न फाइल किया था उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से नाइन मंथ के अंदर अंदर आपको इंटीमेशन आ जाती है अब एक और चीज समझना क्वेश्चन ये आता है कि सर बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे ही आपने रिटर्न फाइल किया आपको स्क्रूटनी का नोटिस आ गया अब स्क्रूटनी का नोटिस आ गया तो भी क्या उसके बाद में इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143 वन आएगी या नहीं आएगी आंसर इज यस इंटीमेशन इज मैंडेटरी असेसमेंट ईयर 17, 18 या उसके बाद में इंटीमेशन इज मैंडेटरी आपको इंटीमेशन आएगी आएगी भले आपको स्क्रूटनी का नोटिस आ गया है तो स्क्रूटनी का नोटिस आ गया है तो भी आपको इंटीमेशन आएगी आएगी लेकिन एक चीज समझना अगर एओ को लगता है कि इंटीमेशन में आपका रिफंड है और आपको रिफंड दे दिया जा तो गया तो डिपार्टमेंट का लॉस हो सकता है तो उस पर्टिकुलर केस में एओ है वो आपके रिफंड को रोक के रख सकता है एओ जो है अंडर सेक्शन टू ए में एक पावर है कि एओ आपके रिफंड को रोक के रख सकता है एओ अगर चाहे तो आपके रिफंड को रोक के रख सकता है और आपको जो है वो रिफंड एओ नहीं नहीं देगा और बेटा आपको इंटीमेशन दे देगा इंटीमेशन इज मैंडेटरी अब एक चीज समझना

one thirty nine one.

आपने ये कंप्लाई नहीं किया है करके ठीक है क्यों ना हम आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर ले जैसे आपको स्पेशल ऑडिट के लिए डायरेक्शन दिया था आप सीए से कोऑपरेट नहीं कर रहे हो क्यों ना हम आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दे ऐसा आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना मैंडेटरी है लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है अगर आपको ऑलरेडी पहले रिया का नोटिस भेजा था वन फोर्टी टू वन का तो उस पर्टिकुलर केस में यह मैंडेटरी नहीं है बिना लाइक आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड दिए वो आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकते हैं अब एक और चीज समझना क्वेश्चन ही आता है कि सर ये स्क्रूटनी असेसमेंट होता है और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है वो कंप्लीट कब तक करना पड़ता है

आपने अगर रिटर्न फाइल किया है तो जिस ईयर में आप रिटर्न फाइल करते हैं ना उस ईयर के एंड से आपको नाइन मंथ के अंदर अंदर असेसमेंट कंप्लीट करना पड़ता है अब एक और चीज समझना कभी भी आपका बेट जजमेंट होता है 144 में तो कभी भी आपको रिफंड नहीं मिल सकता यहाँ पे

पिछलेस असेसमेंट लेते हैं तो आपको उसका बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा अब अपन नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं जिसका नाम है 144c और 144c इज रिलेटेड टू द रेफरेंस टू द डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल या जिसको हम डीआरपी बोलते हैं अब एक बात समझना आपके केस में आपने ऑफिस में देखा होगा कि जब भी किसी भी एसएससी का असेसमेंट कंप्लीट होता है तो सीधा आपको फाइनल ऑर्डर भेज देता है डिपार्टमेंट

को एज वेल एज द डीआरपी को अगर उसने एक्सेप्टेंस दे दिया तो अगर उसने एक्सेप्टेंस दे दिया तो जिस मंथ में उसने एक्सेप्टेंस दिया या जिस मंथ में वो थर्टी डेज एक्सपायर हो गए और ना तो उसने एक्सेप्टेंस दिया और ना ही ऑब्जेक्शन किया उस मंथ के एंड से वन मंथ के अंदर अंदर एओ क्या करेगा फाइनल ऑर्डर पास कर देगा एओ क्या करेगा फाइनल ऑर्डर है वो पास कर देगा लेकिन अगर मान लो उसने क्या किया ऑब्जेक्शन किया ऑब्जेक्शन किसको करना पड़ता है एओ को एज वेल एज द डीआरपी अब आप बोलेंगे डीआरपी कौन होता है डीआरपी मीस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल में थ्री सीआईटी का टीम रहता है में तीन CIT का टीम रहता है, थ्री सीआईटी का टीम रहता है और वो टीम मिलके और एक डीआरपी बनाते हैं डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल अब जैसे ही आपने ऑब्जेक्शन किया डीआरपी को डीआरपी क्या करेगा जो भी आपका ड्राफ्ट ऑर्डर था उसको एनालाइज करेगा आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मंगवाएगा डॉक्यूमेंट मंगवाएगा कुछ मंगवाएगा डीआरपी जो है वो खुद मार्केट से है वो गैदर करेगा और उसके बाद में डीआरपी क्या करेगा अपने डायरेक्शन देगा और वो डायरेक्शन किसको देगा एओ को देगा कि भैया आप फाइनल ऑर्डर हमारे डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली पास कर लो अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि डीआरपी के जो भी डायरेक्शन रहेंगे क्या वो एओ पे बाइंडिंग रहेंगे आंसर इज यस वो एओ पे बाइंडिंग रहेंगे लेकिन डीआरपी अपने डायरेक्शन कब तक देगा तो डीआरपी जो अपने डायरेक्शन देगा विद इन नाइन मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच ड्राफ्ट ऑर्डर वॉज फॉरवर्डेड जिस मंथ में ड्राफ्ट ऑर्डर फॉरवर्ड किया था एस को उस मंथ के एंड से नाइन मंथ के अंदर अंदर डीआरपी है वो एओ को डायरेक्शन देगा अब एक और चीज समझना डीआरपी ने जब एओ को डायरेक्शन दिया

With accordance with the direction of the DRP and Assessee is not satisfied with that order, then Assessee appeal में जा सकता है। लेकिन Assessee appeal में कहाँ जाएगा? सीधा ITAT में जाएगा।

जजमेंट असेसमेंट जैसे 144 में बैच जजमेंट असेसमेंट में कुछ मैनर्स दे रखे थे एक्स पार्टी असेसमेंट में वैसे मैनर्स यूज कर सकता है एओ और आपका असेसमेंट कंप्लीट कर सकता है कौन-कौन से केसेस में सबसे पहला एओ अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स की कंप्लीटनेस और करेक्टनेस सेटिस्फाइड नहीं है

From other sources in the year in which it is received, whether you follow cash system.

अगर मैं इन्वेस्टिगेशन विंग की बात करूं तो सबसे ऊपर रहता है पीडीजीआईटी प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स और डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स उसके नीचे डीआईटी एंड पीडीआईटी दैट इज डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स एंड प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स उसके नीचे जो रहता है दैट इज द एडिशनल डायरेक्टर एंड ज्वाइंट डायरेक्टर और उसके नीचे रहता है दैट इज द असिस्टेंट डायरेक्टर एंड डेप्यूटी डायरेक्टर अब एक चीज समझना इसके साथ साथ में जो सीआईटी अपील रहता है सीआईटी अपील रहता है वो सीआईटी अपील जो होता है ना वो भी इनकम टैक्स अथॉरिटी में आता है लेकिन सर एक बात बताओ असेसिंग ऑफिसर कौन होता है तो हमेशा ध्यान रखना असेसिंग

लेट फाइल किया है तो उस पर्टिकुलर केसेस में लॉसेस है तो लॉसेस को अलाउ कर दो या फिर रिटर्न की ड्यू डेट को एक्सटेंड करा दो करके ठीक है या फिर आपका जो ड्यू डेट है वो चली गई है और उसके बाद में आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर केस में भी आपको अलाउ करा दो आपके जो लॉसेस वगैरह है तो वैसी है, वैसे चीजें हैं वैसे सर्कुलर वगैरह है वो निकाल सकती है उसके बाद में दो केस लो है पहला केस लो है दैट इज एस वी गोपाला राय एंड अदर्स 2017 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये, ये बोलता है कि क्या सीबीडीटी जो है वो सर्कुलर निकाल के और लॉ के जो लेजिस्लेटिव प्रोविजन है क्या उसको उसको अमेंड अमेंड कर कर सकती no, कर सकती जो है है आंसर इज नो नहीं जो वो सर्कुलर के थ्रू कभी भी लॉ के जो लेजिस्लेटिव प्रोविजन है उसको अमेंड नहीं कर सकती एक और केस लॉ है और मेरे को लगता है ये आपके एग्जाम में आपको कभी ना कभी मिलने वाला है दैट इज द रीजन पावरटेक प्राइवेट लिमिटेड 2019 थाउजेंड नाइनटीन मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट इसमें क्या हुआ पता है कि जैसे ऑडिट का ड्यू डेट था और ऑडिट के कुछ दिन पहले ही

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको जो है वो ऑनेस्ट ट्रीट करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको अपील और रिव्यू से रिलेटेड जो है वो प्रोविजन देगा आपको कंप्लीट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देगा आपको टाइमली डिसीजन देगा कलेक्ट करेक्ट अमाउंट ऑफ टैक्सेस वगैरह है वो करेगा रेस्पेक्ट प्राइवेसी ऑफ द टैक्स पेयर आपकी टैक्स पेयर की जो प्राइवेसी है उसकी रेस्पेक्ट करेगा ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करने के लिए कमिटेड है उसके साथ साथ में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे क्या क्या एक्सपेक्ट करता है आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप ऑनेस्ट रहे आप जो है वो कंप्लाइंट रहे बी इनफॉर्म रहे आप एक्यूरेट रिकॉर्ड

भी हो सकता है कि सीए के लिए ये हो डॉक्टर के लिए ए बट आजकल ऐसा नहीं होता है आजकल डायनामिक जोरिसन होता है सबका जोरिस्डिक्शन दिल्ली में ऑनलाइन होता है आजकल चलिए

रहेगा उसमें आपको अपना जुरिस्डिक्शन चैलेंज करना रहेगा लेकिन अगर आपने रिटर्न फाइल किया ही नहीं था

पहले ट्रांसफर नहीं किया जाएगा एक और चीज आती है सेक्शन 129 दैट इज चेंज ऑफ इनकम टैक्स ऑथोरिटी, जिसको इनकम बेंट ऑफ ऑफिस भी बोलते हैं इसमें क्या होता है कि अगर मान लो एक एओ का ट्रांसफर हो जाता है उसकी जगह दूसरा एओ आ जाता है एक एओ का ट्रांसफर हो गया उसकी जगह दूसरा एओ आ गया तो क्वेश्चन ही आता है वो दूसरा वाला एओ अपना काम कहां से चालू करेगा

साथ में वगैरह ये अब सब मैनर में होने वाला है faceless manner में कैसे होगा जो सेक्शन सिखा दूंगा उसके बाद एक section होती है 131. 131 ये बोलती है पावर ऑफ अथॉरिटी एक चीज समझना टैक्स अथॉरिटी के पास में 131 में चार पावर दे रखे हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर है सबसे पहला पावर यह है और यह पावर जो है ना वो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में जो जजेस के पास पावर होते हैं वैसे ही पावर इनकम टैक्स अथॉरिटी को दे रखे हैं सबसे पहला पावर यह है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी कहीं पे भी जाके इंस्पेक्शन एंड डिस्कवरी कर सकती है कहीं पे भी विजिट करके और वहां चेक कर सकती है इंस्पेक्शन एंड डिस्कवरी कर सकती है दूसरा पावर किसी भी पर्सन को बुला के और उसको ओत पे ले सकते हैं किस पे ले सकते हैं उसको ओत पे ले सकते हैं तीसरा पावर यह है कि किसी को भी वो समन इशू कर सकते हैं कमीशन इशू कर सकते हैं अगर समन इशू करने ला उसकी प्रेजेंट ये यहाँ पे चौथा पावर ये होता है कि वो किसी से भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगा सकते हैं और अपने साथ में वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो 15 वर्किंग डेज के लिए अपने पास में रिटेन करके रख सकते हैं ये चार पावर है इनकम टैक्स अथॉरिटी को दे रखे अंडर सेक्शन 131 एक पावर होता है 133 का पावर दैट इज पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन एक बात समझना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पावर है 133 पावर टू कॉल द इन्फॉर्मेशन एक चीज समझना एओ के पास में ये पावर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में ये पावर है कोई भी इनकम टैक्स अथॉरिटी है उसके पास में ये पावर है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी चाहे तो किसी भी पर्सन से किसी भी दूसरे पर्सन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कॉल की जा सकती है जैसे आई कैन टे का एक्साम्पल के मान लो मेरे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या मेरा स्टॉक ब्रोकर है जीरोदा जीरोदा से मेरे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मंगाई जा सकती है बिल्कुल मंगाई जा सकती है मेरा एच डी एफ सी बैंक में अकाउंट है तो क्या एच डी एफ सी बैंक से मंगाई जा सकती है आंसर इज यस बिल्कुल मंगाई जा सकती है तो किसी भी लोगों से ये इंफॉर्मेशन मंगाई जा सकती है मीन किसी की इंफॉर्मेशन किसी और पर्सन से मंगाई जा सकती है लेकिन इसमें एक चीज समझना इसमें एक चीज समझना कि बेटा ये इंफॉर्मेशन जो है वो क्या तभी मंगाई जाएगी जब आपका असेसमेंट पेंडिंग है जिस पर्सन जिस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मंगाई जा रही है उसका असेसमेंट पेंडिंग है तो ही क्या इंफॉर्मेशन मंगाई जाएगी आंसर इज नो कभी भी मंगाई जा सकती है भले आपका असेसमेंट पेंडिंग है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इनकम टैक्स अथॉरिटी को अगर आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मंगा सकते हैं लेकिन इसमें एक चीज समझना हा? यहां पे एक चीज समझना लॉ मेकर बोलते हैं कि भैया अगर सीआईटी से लोअर लेवल का बंदा अगर कोई ये इन्फॉर्मेशन मंगा

मतलब क्या होता है ये इन्वेस्टिगेशन विंग से रिलेटेड सेक्शन है इसमें क्या होता है इन्वेस्टिगेशन विंग के पास ऑलरेडी आपसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है जैसे फॉर एन एग्जांपल पनामा पेपर में अमिताभ बच्चन का नाम आ गया या फिर फॉरेन में मान लो एक वीकी से ऐसा कुछ हुआ था उसमें क्या हुआ था बहुत सारे लोगों के नाम आए थे अनिल अंबानी का नाम आ गया तो इनकम टैक्स अथॉरिटी जो होती है इन्वेस्टिगेशन विंग वाले उनके पास में इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है लेकिन ये वेरीफाई करना चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं तो वो क्या करेंगे आपको मिस अस को जिससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको एक नोटिस भेजेंगे और उससे इन्फॉर्मेशन

और इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट की जाती है उसके बाद में एक इनकम अथॉरिटी के पास में ये पावर है इनकम टैक्स अथॉरिटी किसी भी प्लेस जहां पे बिजनेस या प्रोफेशन ऑन होता है या फिर चैरिटेबल एक्टिविटी ऑन होती है वहां पे एंटर करके और वहां सर्वे कर सकते हैं वहां पे एंटर करके और सर्वे कर सकते हैं वापस बोल रहा हूं कि इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास में ये पावर है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी चाहे तो किसी भी प्लेस पे जहां पे बिजनेस ऑन होता है या प्रोफेशन ऑन होता है या चैरिटेबल एक्टिविटी ऑन होती है वहां एंटर करके और वहां सर्वे कर सकते हैं लेकिन एक चीज समझना सर्वे में कौन जा सकता है तो कोई भी इनकम टैक्स अथॉरिटी सर्वे में जा सकती है Miss, कोई भी इनकम टैक्स अथॉरिटी है वो सर्वे में जा सकती है कोई भी इनकम टैक्स ऑथोरिटी है वो सर्वे में जा सकती है लेकिन एक चीज समझना अगर सर्वे में जो जा रहे हैं वो सर्वे में अगर मान लो सर्वे में जा रहे हैं तो सर्वे में जाने से पहले एक चीज ध्यान रखना इनके पास में जो हाइएस्ट लेवल की अथॉरिटी है ना दैट इज दीडीजीआईटी या फिर पीसीसीआईटी करके ठीक है या फिर सीसीआईटी और पीडीआईटी जो सबसे टॉप लेवल के ऑफिसर होते हैं देखो यहां पे CCIT, PCCIT होते हैं और इधर पर सीसीआई होती है उनकी जो सब अथॉरिटी ऑथॉरिटी है तो उनकी अप्रूवल लेने के बाद ही सर्वे में जा सकते हैं अब एक और चीज समझना सर ये सर्वे में जाते हैं तो सर्वे में इनके पास क्या क्या पावर होते हैं तो सर्वे में सबसे पहले तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर सकते हैं वेरीफाई कर सकते हैं इंस्पेक्शन कर सकते हैं उस पर आइडेंटिफिकेशन मार्क कर सकते हैं उसको कॉपी कर

सर्वे में यह पावर नहीं है कि आपकी असेट ले जाए नहीं वो सिर्फ काउंट कर सकते हैं वेरीफाई कर सकते सकते हैं हैं उसकी लिस्ट बना सकते, लेकिन कभी भी अपने साथ में ले जा नहीं सकते यहां पे सीजर नहीं होता है लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ले जा सकते हैं 15 वर्किंग डेज के लिए उसके बाद में जो भी पर्सन वहां पर अवेलेबल है उसके जो स्टेटमेंट है उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है उससे जो स्टेटमेंट लिए जा सकते हैं अब एक और चीज समझना सर क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि सर अगर कहीं पे बिजनेस प्रोफेशन होता है चैरिटेबल एक्टिविटी होती है वहां तो सर्वे हो ही सकता है लेकिन आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट है वो कहीं और अदर प्लेस पे है या कोई यासेट है किसी अदर प्लेस पे जैसे गोडोन में पड़ी हुई है या मान लो बुक्स ऑफ अकाउंट्स डायरेक्टर पार्टनर के सीए के ऑफिस में पड़े हुए तो क्या होगा तो उस पर्टिकुलर केस में क्या उस प्लेस पे भी सर्वे हो सकता है आंसर इज यस इसको बोला जाता है एक्सटेंशन ऑफ सर्वे लेकिन इसमें एक चीज समझना वहां पर भी सर्वे हो सकता है आंसर इज यस लेकिन सर्वे का एक टाइम होता है सर्वे के लिए एंट्री रेस्ट्रिक्शन होती है और एंट्री रेस्ट्रिक्शन क्या बोलती है पता है अगर बिजनेस या प्रोफेशन प्लेस पर

से शादी पार्टी फंक्शन सेरेमनी है जैसे ही वो डोली उठ जाती है उसके बाद में जाके और वो सर्वे कर सकते हैं उससे पहले वो सर्वे नहीं कर सकते एक और चीज समझना अगर

सर्च एंड सीजर करके आप यहां पे सर्च वर्ड यूज करेंगे एग्जाम में कभी भी रेड नहीं लिखेंगे नौ क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताइए रेड कब हो सकती है

ऐसा कोई मनी बुलियन ज्वेलरी एनी अदर वैल्यूएबल आर्टिकल एंड थिंग्स है जिसको आपने इनकम टैक्स में डिस्क्लोज नहीं किया हुआ या फिर इसको आप इनकम टैक्स में डिस्क्लोज नहीं करने वाले और उससे रिलेटेड उनके पास इन्फॉर्मेशन है स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है रीजन टू बिलीव है तो उस पर्टिकुलर केस में रेड हो सकती है तो रेड दो केसेस में हो सकती है या तो आपको वन का नोटिस भेजा या वन का समन भेजा आपने उसको कंप्लाई नहीं किया या फिर आप उसको कंप्लाई नहीं करने वाले या फिर उनके पास में ये इन्फॉर्मेशन है रीजन टू बिलीव है स्ट्रॉन्ग बिलीव है उनके पास में कि आपके पास कोई मनी बुलियन ज्वेलरी एनी अदर वैल्यूएबल आर्टिकल एंड थिंग्स है जिसको

जब भी रेड करने जाना होता है इनकम टैक्स ऑथोरिटी को तो उसके लिए वारंट लगता है

जो भी मनी बुलियन ज्वेलरी अनदर वैल्यूएबल आर्टिकल एंड थिंग्स मिलता है असेट्स मिलती है उन सबको वो सीज करके ले जा सकते हैं मींस यहां पे देखो सीज करके ले जा सकते हैं सीजर है वो सीजर कर करके ले जा सकते हैं सीज करके ले जा सकते हैं उसके बाद में एक चीज समझना अब आप मुझे बोलोगे कि सर रेड और सर्वे में क्या फर्क है तो अगर मैं बताऊं सर्वे में एंट्री रेस्ट्रिक्शन था यहां पे कोई एंट्री रेस्ट्रिक्शन नहीं है सुबह पांच बजे भी रेड में आ, करने के लिए आ सकते हैं उसके बाद एक और चीज समझना वहां पे सर्वे में क्या होता है सर्वे होने के बाद में सर्वे में ऐसा कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रीजन की जरूरत नहीं होती यहां पर रेड में स्ट्रॉन्ग रीजन होता है उसके बाद ही रेड होती है उसके बाद में सर्वे में क्या होता है कि सर्वे के बाद असेसमेंट होगा ऐसा मैंडेटरी नहीं है लेकिन सर्च के बाद में आपका असेसमेंट होगा ही होगा करके ठीक है चलिए उसके बाद में आपके दो तरह के सीजर होते हैं एक तो होता है देखो एक तीन तरह के सीजर बोल सकते हैं एक तो होता है

एक होता है प्रोहिबिटरी ऑर्डर या ऑर्डर ऑफ रिस्टेंट अब ये ऑर्डर क्या होता है कि कभी कभी असैट को सीज करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है यहां प्रैक्टिकेबल नहीं है प्रैक्टिकली उसको पॉसिबल नहीं है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है उस पर्सन को एक ऑर्डर देते हैं और बोलते हैं कि जब तक हम ना बोले इसके साथ आप डील नहीं करेंगे दैट इज कॉल्ड प्रोहिबिटरी ऑर्डर या ऑर्डर ऑफ रेस्टेंट इसका एक्साम्पल मैंने आपको क्लास में दिया था कि जैसे मान लो किसी एक जगह पर रेड हो गई लेकिन एम्प्लॉय के गले में एक नेकलेस है डायमंड नेकलेस एम्प्लॉय के गले में एक डायमंड नेकलेस है तो डायमंड नेकलेस तो एम्प्लॉय का खुद का हुआ

प्रिज़म्पशन या जिसको अपन एजम्शन बोलते हैं प्री एजम्पन जब भी सर्च होता है ना तो सर्च में कुछ प्री रहती है कौन कौन सी प्री है पहली रहेगी कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट वो आप ही है आप ऐसा नहीं बोल सकते नहीं नहीं ये तो हमारी नहीं है मामा जी रख के गए थे नहीं आपके पास में जो भी मिलेगा वो मान लिया जाएगा इट्स बिलोंग्स टू यू दूसरा जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट मिलेगा उसका कंटेंट ट्रू माना जाएगा जो भी लिखा हुआ है भले आपने जो है वो फर्जी पेपर बनाया हुआ तो भी माना जाएगा उसका कंटेंट ट्रू है अगर कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा है कोई भी अग्रीमेंट ऐसा है जिसका सिग्नेचर या फिर वगैरह ऐसा लग रहा है कि वो आपने किया है तो ये मान लिया जाएगा वो आप ही ने किया है ठीक है तो अगर ऐसा बाय समवन और अटेस्टेड बाय समाइज बाय समवन और स्टेप बाय समवन देन ये मान लिया जाएगा वो उसी पर्सन ने उसको ऑथोराइज स्टैम्प या साइन किया हुआ है अब एक और चीज आती है सेक्शन वन थर्टी टू नाइन है क्या बोलती है कि भैया एक बात समझना जब भी रेड होती है सर्च होता है तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि असेसिंग ऑफिसर ही सर्च करने जाता है आंसर इज नो असेसिंग ऑफिसर सर्च करने नहीं जाता और बहु, बहुत बार क्या होता है जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल रिलायंस कंपनी है तो रिलायंस के इंडिया में दस ऑफिस है तो दस ऑफिस में रेड होती है अब हैदराबाद में भी रेड हो रही है बैंगलोर में भी रेड हो रही है मुंबई में भी रेड हो रही है और दिल्ली में भी हो रही है लेकिन इनका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में हेड ऑफिस मुंबई में तो जितने भी ऑफिसर वहां पर जो रेड कर रहे हैं अलग अलग जगह पर वो क्या करेंगे जो भी मनी बुलेट ज्वेलरी एनी अदर वैल्यूबल आर्टिकल एंड थिंग्स एज वेल एज द जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट

कि अगर सर्च है वो किसी और डिपार्टमेंट ने की है फॉर एन एग्जाम्पल जो सर्च किया है वो सर्च किया है फॉर एन कि सेबी वालों ने किया जीएसटी वालों ने किया किया उन्होंने सर्च किया है और उस पर्टिकुलर केस में जो बुक्स ऑफ डॉक्यूमेंट वगैरह है वो उनके पास है तो इनकम टैक्स अथॉरिटी उनको एक रिक्वेस्ट भेजती है और बोलती है कि भाई आपने इनके मजे ले लिए है तो ये सब हमको हैंड कर दो तो हम उनके मजे लेना चालू कर दे या फिर कभी कभी क्या होता है रेड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ही किया लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट है वो किसी अदर अथॉरिटी के पास है तो उनसे रिक्वेस्ट करके ये चीजें मंगाई जाती है उसके बाद में एक सेक्शन आती है 132 बी कि सर जो भी यहां पे जो असेट्स है मनी बुलियन ज्वेलरी एनी अदर वैल्यूबल आर्टिकल एंड थिंग्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट है जब ये सर्च होती है तो ये लेके चले जाते हैं अब उसका क्या होगा जब वो लेके चले गए उसका अब होगा क्या तो यहां पे उसका क्या होगा दो चीजें सबसे पहले तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्या होगा तो बुक्स ऑफ अकाउंट जैसे ही आपका असेसमेंट कंप्लीट हो जाता है देखो रेड होने के बाद में आपका असेसमेंट होगा असेसमेंट जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है वो असेसमेंट कंप्लीट होने के थर्टी डेज के अंदर अंदर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट है वो वापस से हैंड कर दिए जाएंगे लेकिन ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑल्सो अगर आपको बुक्स की जेरोक्स चाहिए तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाकर और जेरोक्स डिमांड कर सकते हैं आपको वहां पर जेरोक्स उसकी मिल जाएगी लेकिन जैसे ही असेसमेंट कंप्लीट हो जाता है असेसमेंट कंप्लीट होने के थर्टी डेज

एक्सप्लेन असेट का मतलब ऐसी असेट जो आपने इनकम टैक्स में डिस्कलोज कर रखी है बट वो तो एक साथ में ले जाएंगे जैसे फॉर एन एक्साम्पल मान लो वहां पे कोई गोल्ड ज्वेलरी था जिसका बिल है आपके पास आपने उसको अपनी बैलेंस शीट में बता भी रखा है बट तो भी वो तो ले जाएंगे एक बार तो या फिर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो कैश है वो रिकॉर्डेड कैश है वो भी ले जाएंगे एक बार तो अब एक चीज समझना तो एक्सप्लेन असेट के लिए आपको क्या करना है जिस मंथ में सीज हुआ ना उस मंथ के एंड से जिस मंथ में सीज हुआ उस मंथ के एंड से थर्टी डेज के अंदर अंदर आपको एक्सप्लेन असेट से रिलेटेड एप्लीकेशन करनी पड़ती है

एडजस्ट होगी और उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो वो आपको दे दिया जाएगा अगर मान लो यहाँ पे मनी सफिशियंट नहीं है लाइबिलिटी को एडजस्ट करने के लिए तो जो भी ज्वेलरी वगैरह है उसको पब्लिक ऑक्शन किया जाएगा और पब्लिक ऑक्शन से क्या किया जाएगा वो पे रिकवर किया जाएगा अब एक और चीज समझना जब भी अगर आपकी लास्ट में जब अनएक्सप्लेन एसेट वो आपको देते हैं तो उस टाइम पे अगर आपको मनी रिटर्न हो रहा है

और रेड हो गई और तभी कुछ ज्वेलरी वगैरह वो लेके चले गए अब वो क्या बोलता है उसने एक एप्लीकेशन कर दी और बोलता है कि मेरी जितनी भी ज्वेलरी वगैरह ना उसको आप मार्केट में अभी सेल करो और इसको टैक्स के टूवर्ड एडजस्ट कर लो डिपार्टमेंट तो ने बोला अभी हम सेल नहीं करेंगे पहले हम असेसमेंट कंप्लीट करेंगे असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद आपकी लाइबिलिटी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी तब हम इसको पब्लिक ऑप्शन सेल ऑफ करेंगे अब आप बोलोगे हेमंत कुमार सिंधी ऐसा क्यों बोल रहा था अभी का अभी सेल करो क्योंकि इसको पता था कि जितना लेट सेल होगा उसमें उसको टू बी का जो इंटरेस्ट होता है शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स नॉट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स वो इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा तो इसने बोला अभी का भी सेल कर दो क्या अभी का भी सेल करना मैंडेटरी है आंसर इज नो यहां पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि डिपार्टमेंट कब सेल करेगा असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा और असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद जब आपकी लाइबिलिटी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी ना वो क्रिस्टल क्लियर लाइबिलिटी होने के बाद ही उसको पब्लिक ऑक्शन से सेल करेगा उससे पहले डिपार्टमेंट उसको सेल नहीं करेगा उ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इनकम एस्केपिंग असेसमेंट अंडर सेक्शन वन फोर्टी सेवन और भाई साहब दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट तो वन फोर्टी सेवन इसको बोला जाता है इनकम एस्केपिंग असेसमेंट या इसको रीअसेसमेंट बोला जाता है ऑफिस में हम उसको बोलते हैं री ओपनिंग ऑफ केसेस किसी को बोलते हैं ना किस एस एससी का केस वापस खुल गया दैट इज कॉल रीओपनिंग ऑफ केसेज अब एक बा समझता यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपका पहले असेसमेंट हो चुका है अंडर सेक्शन 143.3 या 144 लेकिन अगर मान लो कुछ इनकम एस्केपिंग मिल जाती है उनके पास एओ के पास कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाती है उसके बेसिस पे पता चलता है कि आपकी इनकम एस्केप हुई है तो वो 147 में आपका केस खोल सकते हैं एक बार 147 हो गया तो क्या वापस वन हो सकता है आंसर इज यस बिकॉज यहां वर्ड री असेसमेंट यूज हुआ है मीन आपका कितनी भी बार वन है वो असेसमेंट हो सकता है अब एक और चीज समझना सर क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि वन कब होता है तो वन कब होता है कि एओ के पास में आपसे

148 है, वो, 148 है। अब आप वो आपको वन फोर्टी एट का नोटिस सर्व करवाता है A, A का पहले प्रोसीजर फॉलो होता है उसके बाद वन फोर्टी एट का आपको एक नोटिस सर्व करवाया जाता है करके ठीक है अब एक चीज समझना यहां पे होता क्या है अगर मान लो वन फोर्टी सेवन में आपका केस खुल गया और 147 में आपका केस खुल गया और कोई भी इनकम जो है वो मान लो एस्केप्ट इनकम है लेकिन हुआ क्या

को फॉलो करने की जरूरत नहीं है यहां पे मैंने इसका एग्जाम्पल वगैरह है वो आपको दे रखा है अब एक और चीज समझना सबसे पहले सीक्वेंस चालू होती है 148 से तो सबसे पहला अपन पढ़ते हैं 148 करके ये ये सेक्शन बोलती है

और 151 बोलती है कि जहां जहां अप्रूवल 148 148 तो किससे लेना है एंड ऑफ द पर्टिकुलर केस में अप्रूवल लेना पड़ेगा मीन बड़े ऑफिसर में लाइक अपने से डायरेक्टली सीनियर मोस्ट ऑफिसर सो सीनियर ऑफिसर में कौन कौन आएगा सीआईटी पीसीआईटी डी आई टी पीडीआईटी लेकिन बेटा एक चीज ध्यान रखना अगर थ्री इय के बाद में नोटिस इशू हो रहा है विथ इन टेन ईयर्स तो अप्रूवल लेना पड़ेगा सबसे बड़े ऑफिसर सबसे बड़े ऑफिसर कौन होते हैं ई या पीडी बट अगर पीसीसीआई पीडी अवेलेबल नहीं है तो उस पर्टिकुलर केस में सीसीआई या डीजीआईटी का अप्रूवल लिया जा सकता है तो देखिए 147 का असेसमेंट करने वन फोर्टी सेवन का एक प्रोसीजर फॉलो होता है उससे प्रोसीजर फॉलो करने के बाद एक 148 का नोटिस इशू होता है बट 148 का नोटिस कब तक इशू हो सकता है तो वो टाइम लिमिट वन में दे रखा है वन बोलती है थ्री ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर बट इनकम स्के फिफ्टी लाख उससे ज्यादा है तो रूपए फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर लेकिन एक बात समझना जहां जहां अप्रूवल सेंशन की

और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के लिए वो 148 ए का ही एक शो को नोटिस भेजेगा एस को और बोलेगा कि मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मुझे लगता है आपकी इनकम एस्केप हुई है आपसे मैं पूछना चाहता हूं आप बताइए क्यों ना मैं आपको 148 का नोटिस इश्यू कर दू

फिट है या फिट नहीं है फॉर इश्यू ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148. फोर्टी 148 का नोटिस इश्यू होने के लिए आपका केस फिट है या फिर आपका केस फिट नहीं है वो ये डिसाइड करेगा मिस यहां पे वो डिसाइड करेगा कि आपका केस फिट है या फिट नहीं है फॉर द इश्यू ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148 और यहां पे वो 148 ए का एक ऑर्डर बनाएगा और 148 ए का ऑर्डर बना के वो बताएगा कि आपका केस फिट है या नहीं फिट अगर मान लो फिट ही नहीं है तो कोई बात नहीं वहीं पे खत्म हो जाएगा आपको 147 चालू ही नहीं होगा

सबसे पहले वन फोर्टी का प्रोसीजर फॉलो होता है तो इंक्वायरी करेगा विद विध अप्रूवल ऑफ द हायर अथॉरिटी उसके बाद आपको एक शो को नोटिस भेजेगा आपसे बोलेगा कि क्यों मैं आपको वन का नोटिस इशू ना करू आप बताइए करके आपको टाइम देगा मिनिमम सेवन डेज मैक्सिम थर्टी डेज एक्सटेंशन टाइम मिल सकता है अब एक और चीज समझना यहां पे

डी का ऑर्डर पास हो रहा है क्या इसके अगेंस्ट में हम कहीं अपील में जा सकते हैं आंसर इज नो इसके अगेंस्ट में आप कहीं भी भी अपील में नहीं जा सकते असेसमेंट ऑर्डर आएगा उसके अगेंस्ट में आप अपील में जा सकते हैं इस ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अपील में नहीं जा सकते एक और चीज समझना गाइस यहां पे तीन केसेस ऐसे हैं ना जिसमें एओ को ये प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है

रेड किसी और के केस में हुई थी लेकिन वहां पे कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट या याट मिली है जो कि असेसी से बिलोंग करती है असेसी से रिलेटेड है और उस एओ से जो इंफॉर्मेशन मिली और वो इस पर्सन से इससे इन्फॉर्मेशन एंड ऑल और यहां पे सीआईटी पीसीआईटी जो है वो इस एओ का ये डिसाइड करते हैं कि भैया इसका भी असेसमेंट होना चाहिए में में तो उस पर्टिकुलर केस बेटा यहां पे ये प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है और तीसरा अगर कोई भी एओ को इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है जो वन

क्या अगर किसी एस के केस में सर्च हुआ था रेड हुआ था रिक्वजेशन हुई थी या फिर सर्च या रिक्वजेशन किसी और के केस में हुई थी लेकिन वहां पे जो इंफॉर्मेशन बुक्स ऑफ अकाउंट असेट वगैरह मिला है वो एस को बिलोंग करता है एस से रिलेटेड है तो इस पर्टिकुलर केस में इस एस के केस में भी ये वन फोर्टी एट ए का प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं होगा और तीसरा अगर एओ को इन्फॉर्मेशन मिली है वो इन्फॉर्मेशन वन थर्टी फाइव ए की स्कीम के अकॉर्डिंग मिली है तो उस पर्टिकुलर केस में ये बेटा वन फोर्टी एट ए का प्रोसीजर है वो फॉलो करने की जरूरत नहीं है अब एक बात समझना ये प्रोसीजर फॉलो हो जाता है और अगर मान लो इसके बाद में ये डिसाइड हो जाता है कि आपका केस फिट है 148 का नोटिस इश्यू करने के लिए तो अब अपन चलते हैं 148 पे और 148 का नोटिस है वो इशू मैंडेटरी करना पड़ेगा अगर 147 में असेसमेंट करना है तो अब 147 में असेसमेंट करने के लिए 148 का नोटिस इश्यू होता है अब एक चीज समझना ये 148 का नोटिस जो है वो इशू किया जाएगा इश्यू करना मैंडेटरी है यहां पे लिखा हुआ है सर्व किया जाता है कि सर्व किया जाएगा एस एस सी को सर्व करवाया जाएगा और एस को बोला जाएगा आप अपना रिटर्न फाइल करिए को बोला जाएगा आप अपना रिटर्न फाइल करिए बट आप बोलोगे सर एस तो ऑलरेडी उस साल का रिटर्न फाइल कर चुका होगा तो क्या वापस रिटर्न फाइल करना पड़ेगा आंसर इज यस अगर एसएससी उस साल का रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर चुका है तो भी अगर आपको 148 का नोटिस आता है और 148 के नोटिस में टाइम दिया जाता है कि इतने टाइम में आपको रिटर्न फाइल करना है तो आपको बेटा रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा यू हैव टू फाइल द रिटर्न इवन यू हैव ऑलरेडी फाइल अर्लियर अब एक बात समझना यहां पर

148 148 का का नोटिस नोटिस आपको आपको तभी तभी हो हो सकता है, हो सकता है है जब तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होती है पहली कंडीशन तो 148 फोर्टी का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा लेकिन वो कुछ केसेस में रेड के केसेस में आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है दूसरी चीज एक बात समझना 148 का नोटिस तभी इशू होता है जब एओ के पास में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए एओ के पास में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए लेकिन आप बोलोगे इंफॉर्मेशन का मतलब क्या तो यहां विद द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फॉर्मुलेटेड बाय सीबीडीटी की कुछ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी रहती है और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अगर एओ के पास में कुछ इंफॉर्मेशन आई है दूसरा अगर कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन आया है नॉर्मली ऑडिट ऑब्जेक्शन सीएजी करता है जो कंट्रोलर

ऑफ ट्राइब्यूनल और कोर्ट किसी ट्राइब्यूनल या कोर्ट का ऑर्डर आया था और उसकी वजह से अगर इनकम एस्केपिंग हो रही है ऐसा पता चलता है तो उस पर्टिकुलर केस में वो इंफॉर्मेशन माना जाएगा तो देखिए मैंने क्या बोला? 148 का है, वो तभी जब तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए इंफॉर्मेशन तो मतलब सबसे पहली, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो सीबीडीटी के रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग मिली है दूसरा अगर कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन था जिससे पता चलता आपका असेसमेंट प्रॉपरली नहीं हुआ था तीसरा ऐसी इन्फॉर्मेशन डी टी डबल फॉरन कंट्री से मिली है और चौथा क्या है अगर एओ को वन

प्रोसीजर वन फोर्टी एट ए का फॉलो किया है और वन फोर्टी एट ए डी में जो ऑर्डर बनाया है वो ऑर्डर बनाते टाइम अगर हायर ऑथोरिटी का ऑलरेडी अप्रूवल ले लिया है तो फिर यहां पे वन फोर्टी एट का नोटिस इश्यू करने के लिए हायर ऑथोरिटी के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी अब एक और चीज समझना गाइस यहां पे तीन केसेस ऐसे है ना जिसमें यह मान लिया जाएगा एओ के पास इंफॉर्मेशन है भले एओ के पास इंफॉर्मेशन नहीं है में तीन केसेस ऐसे हैं जिसमें ये मान लिया जाएगा कि एओ के पास इन्फॉर्मेशन और सीधा आपको 148 का नोटिस इशू कर सकता है कौन कौन से केसेस में सबसे पहले अगर आपके केस में रेड हुई थी अगर आपके केस में रेड हुई थी रिक्विजेशन हुआ था या फिर आपके केस में कोई सर्वे हुआ था टीडीएस टीसीएस को छोड़ के जो टीडीएस टीसीएस सर्वे है उसको छोड़ के कोई सर्वे हुआ था या फिर रेड किसी और के केस में हुई थी लेकिन वहां पर जो बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट असेट मिला है वो आपको बिलोंग करता है तो उस केस में यह मान लिया जाएगा एओ के पास इन्फॉर्मेशन और सीधा आपको वन का नोटिस इशू हो जाएगा तो देखो मैंने क्या बोला बेटा समझने की कोशिश

मैंने क्या बोला तीन केसेस ऐसे हैं जिसमें ये माना जाएगा कि एओ इज हैविंग डीम टू बी इन्फॉर्मेशन हैविंग डीम्ड इन्फॉर्मेशन सबसे पहला अगर आपके केस में रेड हुई थी दूसरा रेड किसी और के केस में हुई थी लेकिन वहां इन्फॉर्मेशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट अकाउंट मिला है वो आपको बिलोंग करता है या फिर आपके केस में सर्वे हुआ था तो वो डीम्ड इंफॉर्मेशन मानी जाएगी लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर ये डीम्ड इन्फॉर्मेशन मानी जाती है तो वन फोर्टी एटे का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा या नहीं देखो सर्च के केस में करने की जरूरत नहीं है सर्च के केस में मीन रेड के केस में क्या होगा कि वो वन फोर्टी एटे का प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं सीधा वन फोर्टी 48 का नोटिस इशू कर सकते हैं बट सर्वे के, के केस में ये डीम टू बी इंफॉर्मेशन मानी जाएगी लेकिन यहाँ पे 148 ए का जो प्रोसीजर था वो फॉलो करना पड़ेगा यू गॉट माय पॉइंट और नॉट यस उसके बाद में एक और चीज समझना इस साल से एक नई सेक्शन डाली गई 148 बी करके और 148 बी क्या बोलती है कि देखो जब भी आपके केस में या तो सर्वे हुआ था या आपके केस में रेड हुई थी

न 148 का नोटिस इशू हो सकता है बट अगर आपकी इनकम एस्केपिंग है वो 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा है

आपका पुराने लॉ के हिसाब से असेसमेंट नहीं खुल सकता तो डोंट वरी नए लॉ के हिसाब से भी आपका असेसमेंट नहीं खुलेगा ये वाला पार्ट अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप छोड़ भी देंगे तो आपको चलेगा कोई दिक्कत नहीं है अब एक और चीज समझना मैं आपको बोल रहा हूं कि 148 का नोटिस इशू करने का टाइम लिमिट क्या है क्री इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर और इन इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर नॉर्मल केस में थ्री द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर और बेटा सर्च की सॉरी नॉर्मल केस में थ्री इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर और अगर इनकम एस्केपिंग है वो इकमस्के और ये उससे ज्यादा है तो आपका टेन ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर लेकिन ये जो टाइम है ना ये टाइम कैलकुलेट करते टाइम जितना टाइम वन फोर्टी एट ए के प्रोसीजर फॉलो करते टाइम शोकोज नोटिस में दिया था वो टाइम एक्सटेंड हो जाएगा स उतना टाइम है वो एक्स्ट्रा मिलेगा एओ को जो 148 ए में यू नो दोकोज नोटिस देते थे और बोलते थे क्यों ना हम आपको चल रहा था और किसी कोर्ट का स्टे ऑर्डर आ गया और कोर्ट के स्टे ऑर्डर की वजह से जितना टाइम खराब हुआ उतना टाइम वन का नोटिस इशू करने में एड हो जाएगा मीन जो थ्री फेन ईयर है वो तो है ही है उससे एक्स्ट्रा और टाइम है वो मिल जाएगा अब एक और चीज समझना बहुत बार ऐसा हो सकता है कि वन ए का जो ऑर्डर बनाते हैं फोर्टी एट ए डी का ऑर्डर यू नो दैट कब तक बनाते थे वन मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच

नहीं आए तो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इतना डीप में नहीं पूछने वाले है अब एक और चीज समझना मैंने आपको बताया था कि नोटिस इशू हो सकता है 148 का फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर बट टेन ईयर तक इशू हो सकता है अगर इनकम एस्केपिंग है वो इनकम एस्केपिंग आपका कितना है फिफ्टी लाख रूपीज या उससे ज्यादा है तो इनकम एस्केपिंग जो है वो फिफ्टी लाख रुपीज या उससे ज्यादा है तो टेन ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर तक आपका नोटिस है वो इशू हो सकता है अब एक चीज समझना वो इनकम कौन से फॉर्म में होनी चाहिए या तो किसी अट के फॉर्म में होनी चाहिए या किसी एक्सपेंडिचर के फॉर्म में होनी चाहिए करके ठीक है एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन रिलेशन टू एनी इवेंट और ओकेजन और एनी एंट्री और एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच हैज एक्सेप्ट असेसमेंट अमाउंट और लाइकली टू बी अमाउंट टू 50 लाख रुपए और मोर है तभी आपका 10 इयर्स तक नोटिस इशू हो सकता है लेकिन इसमें एक चीज समझना सर ये 50 लाख का जो लिमिट है ये 50 लाख का लिमिट सर जैसे हर साल का मिला के देखा जाएगा इंडिविजुअल ईयर के लिए देखा जाएगा राइट आंसर इज इंडिविजुअल ईयर के लिए देखा कि में, में आपका इनकम एस्केपिंग हुआ था 30 लाख रुपीज का तो क्या यह मर्ज होगा रेस्पेक्टिव ईयर मीन किसी पर्टिकुलर ईयर में इनकम एस्केपिंग फिफ्टी लैख या उससे ज्यादा हुई है तो ही उस ईयर के लिए वन का नोटिस है वो इशू हो सकता है 10 इयर्स तक अदरवाइज आपका थ्री इयर्स का टाइम मिलेगा तो यहां पे भी थ्री इयर्स का रहेगा यहां पे भी थ्री इयर्स का रहेगा लेकिन इस साल इन्होंने एक अमेंडमेंट किया वो अमेंडमेंट ये किया कि अगर मान लो आपने कोई असेट क्रिएट की है वो मल्टीपल ईयर में की है आपने कोई असेट क्रिएट की है वो असेट आपने मल्टीपल ईयर में क्रिएट की है और वो एसेट की वैल्यू 50 लेके उससे ज्यादा है कोई सेट मल्टीपल ईयर में क्रिएट किया और असेट की वैल्यू फिफ्टी लैख से ज्यादा है या फिर आपने कोई एक्सपेंडिचर इंकर किया है किसी इवेंट पे और वो इवेंट जो है उस एक्सपेंडिचर इंकर किया है वो टोटल फिफ्टी लैख से ज्यादा है बट वो मल्टीपल ईयर्स में किया है तो उस पर्टिकुलर केस में मल्टीपल ईयर्स के लिए टाइम लिमिट है वो टेन ईयर्स का हो जाएगा यहां पर मैंने दो एग्जाम्पल दिए है वो एक्जाम्पल अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा जैसे मान लो मैंने क्या किया बीबी ने एक घर बनाया नाइनटी लैख का मैंने ये 90 लाख का घर बनाया जो अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट है मैंने कहां से पैसा लगाया वो मेरे को पता नहीं और मैंने कैसे घर बनाया ये 2016 2016 17 17 में बनाया uh, 2007, uh, 2016 -17 से लेके 2018 19 तक 3 साल वो घर बनता रहा और हर साल मैं बोलता हूं मैंने 30 30 लाख रुपए डाला है तो हर साल का इनकम एस्केपिंग है वो तो 50 लाख से कम है तो क्या यहां 10 इयर्स का टाइम मिलेगा आंसर इज नो बट इस बार का अमेंडमेंट ये बोलता है कि अगर कोई एक आप एसेट क्रिएट करते हो वो एसेट तो 50 लाख से ज्यादा का है ना जो ये घर बनाया वो एसेट क्रिएट किया वो 50 लाख है लैक ज्यादा है भले वो मल्टीपल ईयर में एसेट क्रिएट किया तो भी ये मल्टीपल ईयर्स के लिए आपका जो टाइम लिमिट है वो टेन ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर हो जाएगा एक और एग्जांपल मैंने लिया मान लो शादी हो रही है और शादी पे अक्षिता की शादी पे खर्चा किया जा रहा है और वो खर्चा जो है शादी इवेंट एक है लेकिन खर्चा है वो दो अलग अलग डेट को हो रहा है एक तो 25 लाख का खर्चा है वो 28 मार्च 2016 को हो रहा है और बेटा 15 अप्रैल 2016 को वापस 35 लाख का खर्चा हो रहा है तो टोटल हो रहा है 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 वो 60 लाख एक्सपेंडिचर एक, एक एक लाइक इवेंट शादी और शादी पे खर्चा हो रहा है वो दो अलग अलग ईयर में हो रहा है बट इवेंट एक, एक है तो इस पर्टिकुलर केस में भी मल्टीपल ईयर जो है बट भले मल्टीपल है बट इवेंट एक, एक है तो इस पर्टिकुलर केस में दोनों ही साल के लिए यहां पर टेन ईयरस का टाइम लिमिट है वो एओ को मिल जाएगा अब एक सेक्शन आती है 150, दैट इज अनलिमिटेड टाइम लिमिट टू इश्यू द सेक्शन 148. तो देखो वन का नोटिस इशू करने का टाइम लिमिट होता है थ्री इयर्स फ्रॉम ऑफेंट असेसमेंट ईयर और टेन ईयर फ्रॉम ऑफ द रिल चीज समझना अगर मान लो कोई कोर्ट का जजमेंट आया है

लेकिन आपके केस में जैसे ही 147 चालू हुआ आपके केस में 147 चालू हुआ लेकिन आपको लगता है कि आपने ऑलरेडी उस अमाउंट पे पे पहले टैक्स भर चुके हो जिस पे आप भरने चाहिए अगर इनकम एस्केपिंग को ऐड कर दो तो भी जो अमाउंट बनता है उससे ज्यादा आप आप ऑलरेडी टैक्स भर चुके हो तो उस केस में एओ को रिक्वेस्ट कर सकते हो और एओ जो है वो एओ क्या करेगा आपका असेसमेंट ड्रॉप कर सकता है आपका असेसमेंट है ये ड्रॉप कर सकता है इससे रिलेटेड जब आपको रेगुलर बैच या फास्ट ट्रैक बैच में मैंने एक एक्साम्पल देकर बताया था कि रिटर्न फाइल किया असेसमेंट हुआ असेसमेंट में एओ ने एक एक्सपेंडिचर पी है वो गलती से डिस अलाउड किया था वैसा करके मैंने एक एग्जाम्पल बताया था उससे आपको इजीली समझ में आएगा अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि सर एक बात बताइए ये 153 153.2 जो सेक्शन है ये बोलती है कि सर 147 का असेसमेंट कंप्लीट कब तक होगा क्योंकि 149 में जो टाइम लिमिट थ्री इयर्स और टेन इयर्स की है वो तो नोटिस वन का भेजने की है

Assessi को कभी भी बेनिफिट नहीं मिल सकता क्वेश्चन आता है जैसे मान लो कोई खर्चा है जिसका क्लेम आपने पहले नहीं लिया था लेकिन अब 147 हो रहा है तो क्या उस खर्चे को क्लेम ले सकते हैं आंसर इज नो आपका क्लेम नहीं ले सकते 147 में कभी भी आपको रिफंड नहीं मिल सकता 147 में हमेशा आपकी इनकम है वो इंक्रीज की जाएगी कभी भी आपकी इनकम डिक्रीज नहीं हो सकती है एक और चीज समझना अगर आपका 147 हो रहा है तो भैया कुछ ना कुछ आपको पे करने को आएगा ही यहां पे कभी भी आपके फायदेमंद 147 है वो नहीं हो सकता क्वेश्चन ये आता है कि आप बोल रहे हो सर के पुराना कोई खर्चा आपने पहले नहीं लिया था तो क्या अब आप ले सकते हो आंसर इज नहीं ले सकते लेकिन कोई इनकम एस्केपिंग हुई है वो इनकम एड हो रही है तो उससे रिलेटेड कोई खर्चा है तो उसको आप कंसिडर कर सकते हैं आंसर इज यस जो इनकम अब इंक्लूड हो रही है उससे रिलेटेड अगर कोई भी खर्चा है तो उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है करके ठीक है अब एक और चीज समझना यहां पे

अब उसको स्क्रूटनी का नोटिस भेजना है। स्क्रूटनी का नोटिस सर्व करवाना अंडर सेक्शन थ्री टू विद इन थ्री मंथ फ्रॉम इन विच रिटर्न अंडर सेक्शन एट वॉज फाइल तो वन फोर्टी फाइल हुआ उस ईयर के एंड से थ्री मंथ के अंदर अंदर वन फोर्टी थ्री टू का जो है वो नोटिस सर्व करवाना मैंडेटरी अगर वो नहीं करवाया जाता है तो उस पर्टिकुलर केस में जो 147 का असेसमेंट है वो आपका इनवैलिड हो जाएगा उसके बाद में एक सेक्शन है, ये ये है, है ना ये भी फेसलेस हो गया है अब ये कैसे फेसलेस हो गया है अभी, अभी अपन थोड़ी देर के बाद में पढ़ेंगे अंडर सेक्शन वन बी के ये कैसे हो चुका है उसके बाद में एक सेक्शन आती है 154,

Order. एक नया ऑर्डर पास होगा हो तो हो तो हो तो हो yes. आपको फ्रेश फोर ईयर का टाइम लिमिट मिलेगा और बेटा, जिस में पास हुआ, उस ईयर के एंड से वापस फोर ईयर का टाइम लिमिट है वो मिल जाएगा अब एक और चीज समझना है यहाँ पे अगर अगर

डेज के अंदर अंदर है वो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा इंटीमेशन के इंटीमेशन या तो डी एस नोटिस मानी जाती है तो, में अगर कोई भी है, तो आपको सेपरेटली डिमांड नोटिस नहीं आएगा आपको वो डिमांड जो इंटीमेशन में रखी है वो थर्ट डेज में पे करनी पड़ेगी अगर आप थर्टी डेज में पे नहीं करते हो डिमांड और डिमांड नोटिस तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा आप असियन डिफॉल्ट माने जाओगे और सेक्शन टू का इंटरेस्ट लग जाएगा और टू का पेनल्टी लगेगा 220 का इंटरेस्ट क्या होता है 31 डे से 1 परसेंट पर मंथ और पार्ट ऑफ़ द मंथ का इंटरेस्ट लगेगा और बेटा 100 परसेंट ऑफ़ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट जितना पेनल्टी लग सकता है अंडर सेक्शन 220 वन करके अब एक सेक्शन आता है 156 ए जो इसी साल से ये सेक्शन आई है ये सेक्शन ये बोलती है कि जो आपका डिमांड नोटिस था आगे जाके मान लो वो डिमांड रिड्यूस कर लेता है कौन एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी जो एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी रहती है अंडर द आईबीसी 2016 में अगर वो डिमांड को रिड्यूस कर लेता है तो असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा उस डिमांड नोटिस को मॉडिफाई करेगा और एओ है वो मॉडिफाई करने के बाद में आपका डिमांड नोटिस वापस से बनाएगा और मॉडिफाइड नोटिस देगा अब एक बात समझना आपका जो ऑर्डर एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी का था वो एनसीएलटी या सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया उस ऑर्डर को अमेंड कर दिया और उस ऑर्डर को अमेंड किया तो उस पर्टिकुलर केस में एओ क्या करेगा वो डिमांड नोटिस को वापस

यहां पे टाइम लिमिट टू असेसमेंट। असेसमेंट कंप्लीट करने की टाइम लिमिट क्या होती है? तो मैं बताऊं जितना मैं यहां पे आपको बता रहा हूं उतना आपको एग्जाम के लिए याद रखना है बाकी वाला आप याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा असेसमेंट बेच जजमेंट असेसमेंट का असेसमेंट कंप्लीट करने का टाइम लिमिट होता है नाइन मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट ईयर नाइन मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट ईयर ईर असेसमेंट ईयर के एंड से नाइन मंथ के अंदर अंदर स्क्रूटनी

इस फाइनेंशियल ईयर में आपने अपडेटेड रिटर्न फाइल किया उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से आपको क्या करना पड़ेगा नाइन मंथ का एओ को टाइम मिल जाएगा 147 का असेसमेंट कंप्लीट करने का टाइम लिमिट है वो 1532 में दे रखा है दैट इज द 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच नोटिस अंडर सेक्शन 148 वाज सर्व एक और चीज आप ये ध्यान रखना है कभी भी आपका केस अगर TPO को ट्रांसफर हुआ है। टीपीओ का मतलब ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर। जब भी आपका केस है बढ़ जाएगी इसका मतलब जैसे ये 9 मंथ वाला टाइम है प्लस 12 मंथ करोगे तो 21 मंथ हो जाएगा ठीक है और बेटा ये जो 12 मंथ वाला टाइम है यहां पे अगर 12 मंथ करोगे तो ट्वेंटी मंथ हो जाएगा इतना आपको यहां पे याद रखना है। इसके अलावा अगर आप याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा उसके बाद मैं एक चीज समझना आपको मैंने अभी 143.3 का असेसमेंट पढ़ाते टाइम मैंने बताया था कि बहुत बार कोई भी ट्रस्ट है या कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसने अगर कोई कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं किया जिसके अंतर्गत उसको एग्जामेश मिलती है जैसे 1023 सी ऑल तो एओ इंटीमेट करता है और वो वेट करता है प्रिस्क्राइब ऑथोरिटी के नोटिफिकेशन के लिए उनके ऑर्डर के लिए कि भैया इनका जो है वो एग्जाम्शन मिलना चाहिए या नहीं तो उसमें टाइम खराब होता है एओ के पास एओ बहुत बार क्या करता है स्पेशल ऑडिट के लिए आपको डायरेक्शन देता है और स्पेशल ऑडिट के लिए डायरेक्शन में आपको टाइम देता है कि आप थर्टी डेज में स्पेशल ऑडिट कराइए या सिक्सटी डेज में स्पेशल ऑडिट कराइए बहुत बार एओ क्या करता है आपका केस है वो वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर करता है उसमें एओ का टाइम है वो खराब होता है एक होता है 158ए का डिक्लेरेशन जो कि आपको अपील वाले टॉपिक में पढ़ने को मिलेगा एक होता है एप्लीकेशन मेड टू द बार अगर बार को आपने एप्लीकेशन किया था और उसके बाद में आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो उस पर्टिकुलर केस में टाइम खराब होता है या फिर फॉरेंस से इंफॉर्मेशन मंगाने में क्या होता है आपका टाइम खराब होता है करके ठीक है फॉरेंस से इंफॉर्मेशन मंगाने में आपका जो टाइम है वो टाइम है वो खराब होता है अब एक और चीज समझना यहां पे अगर क्या होता है कि लाइक अगर रेड किसी और पर्सन पे हुई थी रेड किसी और पर्सन पे हुई थी लेकिन क्या हुआ कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट है वो आपके एओ को हैंडओवर हुई तो उसमें भी टाइम खराब होता है भाई जिस दिन सर्च इनिशिएट हुआ था और वहां से लेके और यहां पे आपके एओ को जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट है वो आपके हैंडओवर होती है तो उसमें टाइम खराब होता है एज वेल एज द अगर एओ जो है एओ को पता चलता है कि कोई ट्रस्ट ने स्पेसिफाइड वायलेशन किया तो स्पेसिफाइड वायलेशन किया तो वो क्या करेगा? CIT, को बताएगा कि ट्रस्ट ने स्पेसिफाइड किया जैसे ट्रस्ट कास्ट रिलीजन के लिए है प्राइवेट रिलीजियस पर्पज के लिए है या ट्रस्ट पीसीआईटी तो को बताएगा और CIT, को बोलेगा, बताओ इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है या नहीं तो वो जो है वो ऑर्डर बना के भेजेगा करके ठीक है कैंसिलेशन का एक बात समझना उसमें टाइम खराब होता है टाइम खराब होता है या फिर एक एओ की जगह दूसरा रीहड का आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाता है उसमें टाइम खराब होता है है, तो ये जितना जितना टाइम खराब होता है ना उतना एओ को एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा फॉर द कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट असेसमेंट कंप्लीट करने के लिए एओ को एडिशनल या एक्स्ट्रा टाइम है वो मिल जाएगा अब एक और चीज समझना यहां पर अगर एओ को ये टाइम के बाद भी जो टाइम एक्सक्लूड कर लेते हो उसके बाद भी एओ के पास में जो टाइम बचा वो 60 डेज से कम है तो एओ को मिनिमम 60 डेज का टाइम है वो तो मिलेगा ही मिलेगा एओ को मिनिमम 60 डेज का टाइम है वो तो मिलेगा ही मिलेगा ही एक सेक्शन होती है 192 बी करके और 192 बी ये बोलता है कि अगर मान लो आपने कोई रिटर्न फाइल किया या कोई असेसमेंट है हुआ था या कोई नोटिस है या कोई समन है या कोई भी प्रोसीडिंग हुआ था करके ठीक है लेकिन उसमें कोई मिस्टेक है और मिस्टेक है डिफेक्ट है ओमिशन है लेकिन वो जो मिस्टेक है ना उसका इंटेंट है वो सही था मतलब गलती से कुछ मिस्टेक हो गई गलती से कोई मिस्टेक हो गई तो उसके बेसिस पे आप जो है वो नोटिस है समन है असेसमेंट है उसको इनवैलिड डिक्लेयर नहीं करा सकते जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं मेरी स्पेलिंग है उसमें क्या होता है भवर, है है की स्पेलिंग होती अगर मान लो मेरा असेसमेंट ऑर्डर उसमें लिखा हुआ है कोई नोटिस आया उसमें लिखा हुआ बी एच ए डब्बू भवर रहा ना एन नहीं लिखा हुआ तो क्या मैं ये बोलू ये तो मेरा है ही नहीं करके अब आपको समझ में आता है कि ये जो मिस्टेक हुई है इसका इंटेंशन नहीं है

और दूसरा एक मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड टू थाउजेंड नाइनटीन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है अब हुआ क्या इसमें सबसे पहले वाले में क्या था कि भैया एक कंपनी थी वो एलएलपी में कन्वर्ट हो गई कंपनी है वो एलएलपी में कन्वर्ट हो गई तो अभी क्या है एलएलपी है अभी जो है वो एल है लेकिन हुआ क्या गलती से जो नोटिस भेजा गया वो कंपनी के नाम से भेजा गया गलती से जो नोटिस भेजा गया वो कंपनी के नाम से भेजा गया लेकिन बाद में जैसे ही असेसमेंट हो रहा था तब पता चल गया कि ये तो कंपनी है वो LLP में कन्वर्ट हो गई तो उन्होंने क्या किया वो नोटिस को भी चेंज कर दिया एज वेल एज प्रोसीडिंग है वो एल एलपी पे कंप्लीट हुई सब चीजें एलपी पे कंप्लीट हो गई असेसमेंट कंप्लीट हो गया अब एस जो है वो असेसी है उसको चैलेंज करता है कि नहीं नहीं नोटिस तो है वो पहले कंपनी के नाम पर आया था कंपनी तो थी नहीं अरे कंपनी नहीं थी वो बाय मिस्टेकली कंपनी के नाम था इट शुड भी इन द ने एल एल पी

नहीं किया गया या इम मैनर में नोटिस था करके और भैया टाइम बार्ड वगैरह था लेकिन क्या होता है करके असेसमेंट एक बार कंप्लीट हो जाता है तो क्या उसके बाद में आप चैलेंज कर सकते हो आंसर इज नो उसके बाद में आप चैलेंज नहीं कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया स्क्रूटनी का नोटिस कब तक आपको सर्व होना चाहिए विद इन थ्री मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल इन विच रिटर्न वॉज फाइल लेकिन क्या हुआ कि मान लो थ्री मंथ के बाद में सर्व हुआ लेकिन असेसमेंट भी कंप्लीट हो गया उसके बाद में आप क्या चैलेंज कर सकते हो नहीं कर सकते लेकिन इसका केस लो लक्ष्मण दास खंडेलवाल का केस लो टू सुप्रीम कोर्ट का उसमें क्या हुआ स्क्रूटनी का असेसमेंट करने के लिए स्क्रूटनी का नोटिस तो मैंडेटरी होता है इन्होंने स्क्रूटनी का नोटिस नहीं भेजा असेसमेंट स्क्रूटनी का करना है स्क्रूटनी का नोटिस भेजना पड़ेगा उन्होंने स्क्रूटनी का नोटिस ही नहीं भेजा और बोलते हैं कि असेसमेंट कंप्लीट कर दिया तो क्या उस पर्टिकुलर केस में वो इससे सेफ हो सकते हैं डिपार्टमेंट आंसर इज नो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भैया आप एक बात बताइए आपके नोटिस में कोई इमर है तो वो चीजें चल जाएगी बट भैया अगर आप नोटिस ही नहीं भेज रहे हो स्क्रूटनी का और स्क्रूटनी का असेसमेंट कंप्लीट कर दे तो ये गलत है उस पर्टिकुलर केस में जो भी आपका असेसमेंट हुआ था वो तुम्हारा इनवैलिड माना जाएगा चलिए यहां पर असेसमेंट कंप्लीट होता है एक्सेप्ट द फेसलेस असेसमेंट अब अपन चलते हैं

इंडिया में अभी जितने भी असेसमेंट है आपका स्क्रूटनी असेसमेंट असेसमेंट 144 -फौर का जजमेंट एज वेल एज 147 का असेसमेंट है वो आपका फेसलेस मैनर में, में होगा अब उसके लिए इन्होंने क्या किया दिल्ली में एक अथॉरिटी बनाई है और उसका नाम है एनफेक्ट दैट इज नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर इसको बोलते हैं एनफेक्ट मैं बार बार इसको एनफेक्ट बोलूंगा एनफेक्ट का मतलब नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर अब एक बात समझना नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर उसके अंडर बहुत सारी यूनिट्स है जैसे उन्होंने मुंबई में कुछ यूनिट सेटअप की है

तो एयू का मतलब होता है असेसमेंट यूनिट वी का मतलब होता है वेरिफिकेशन यूनिट यूनिटी का मतलब होता है टेक्निकल यूनिट और आर का मतलब होता है रिव्यू यूनिट और ये किसके अंडर आती है सब एनफेक्ट के अंडर आती है सब किसके अंडर आती है एनफेक्ट के अंडर अब एक बात समझना आपको आज की डेट में स्क्रूटनी का अगर कोई नोटिस वगैरह आएगा तो वो नोटिस कौन भेजेगा आपको एनफेक्ट भेजेगा और एनफेक आपको नोटिस भेजेगा और उसके बाद में आपका जो असेसमेंट है वो किसी भी असेसमेंट यूनिट में लगा लेगा और असेसमेंट यूनिट है वो आपका असेसमेंट करेगी लेकिन एक चीज समझना असेसमेंट यूनिट आपसे कभी भी कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगी असेसमेंट यूनिट आपसे डायरेक्ट कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगी मिस असेसमेंट यूनिट है अगर असेसमेंट यूनिट को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए डॉक्यूमेंट चाहिए आपसे कुछ भी अगर क्लेरिफिकेशन चाहिए तो असेसमेंट यूनिट है वो एनफेक को बोलेगी एन है वो आपको इन्फॉर्म करेगा और आप एनफेक को रिप्लाई करेंगे एनफेक वो रिप्लाई लेके और असेसमेंट यूनिट को दे देगी ऐसे क्या ऐसे आपके वेरिफिकेशन यूनिट व्यू का मतलब वेरिफिकेशन यूनिट अगर मान लो असेसमेंट यूनिट को कोई भी चीजें चाहिए कि भैया हमको वेरिफिकेशन कराना है तो वेरिफिकेशन कराना है तो क्या असेसमेंट यूनिट खुद ही सीधा वेरिफिकेशन यूनिट के पास जा सकती है आंसर इज नो असेसमेंट यूनिट किसको बोलेगी एनफेक को बोलेगी एनफेक किसको बोलेगा किसी भी वेरिफिकेशन यूनिट को बोलेगा और उस वेरिफिकेशन यूनिट से वेरिफिकेशन करा के और असेसमेंट यूनिट को दे देंगे ऐसे ही अगर मान लो असेसमेंट यूनिट को एयू को यहां पे कोई टेक्निकल हेल्प चाहिए तो टेक्निकल हेल्प के केस में यहां पे क्या होगा असेसमेंट यूनिट है वो एनफेक को बोलेगी एनफेक किसी टेक्निकल यूनिट को बोलेगा टेक्निकल यूनिट है वो टेक्निकल हेल्प है वो किसको देगा एनफेक को भेज देगा एनफेक किसको भेज देगा असेसमेंट यूनिट को भेजेगा तो ऐसे ये चीजें चलने वाली है तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो फेसलेस असेसमेंट सेंटर और यूनिट्स के बारे में दे रखा है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ तो सबसे पहला नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर जिसको अपन एनफेक बोलेंगे ये आपका जो है वो सेंट्रलाइज मैनर पे पूरा काम करता है है और ये दिल्ली में लोकेटेड है उसके अंडर असेसमेंट यूनिट्स होती है असेसमेंट यूनिट्स का काम क्या होता है फंक्शन ऑफ मेकिंग द असेसमेंट उनका काम होता है असेसमेंट करना आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पॉइंट्स एंड इश्यूज सीकिंग इन्फॉर्मेशन एंड क्लेरिफिकेशन ऑन द पॉइंट एनालाइजिंग द मटीरियल फर्निश बा और वेरिफिकेशन यूनिट काम होता है इंक्वाइरी करना क्रॉस वेरफिकेशन करना वेरिफिकेशन काम करना एक्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट एक्जामिनेशन ऑफ द विटनेस और रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट उसके बाद टेक्निकल यूनिट का काम होता है टेक्निकल असिस्टेंस देना कैसे या तो किसी एडवाइस देना लीगल मैटर पे अकाउंटिंग मैटर पे फॉरेंसिक मैटर पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे वैल्यूशन पे ट्रांसफर प्राइजिंग डेटा

सेसरी ऐसा हो सकता है मैं मुंबई का हूं मेरा असेसमेंट है वो केरला में कोई असेसमेंट यूनिट वो कर रहे हैं या कोलकाता में कोई असेसमेंट यूनिट है वो कर रहे हैं तो ये सब फेसलेस मैनर पे होता है मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरा असेसमेंट कहां पे हो रहा है करके ठीक है अब एक चीज समझना

और एनफेक को रिक्वेस्ट करेगी नोटिस इशू करेगी एस को एज वेल एज एनी अदर पर्सन को कि भैया हमको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, चाहिए और उसमें एनफेक टाइम देगी कि इतने टाइम में को वो डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है अब यहां पे असेसमेंट यूनिट को कोई भी वेरिफिकेशन कराना है तो वो क्या करेगा एनफेक को रिक्वेस्ट करेगा और एनफेक है वो वेरिफिकेशन यूनिट को रिक्वेस्ट करेगी कि इस पर वेरिफिकेशन करके दे अगर असेसमेंट यूनिट को कोई टेक्निकल हेल्प चाहिए तो यहां पे असेसमेंट यूनिट एनफेक को बोलेगी एनफेक है वो टेक्निकल यूनिट को बोलेगा कि हमको ये टेक्निकल हेल्प चाहिए और बेटा टेक्निकल यूनिट को वो केस अलोकेट देंगे थ्रू द ऑटोमेटेड अलोकेटेड सिस्टम यहां पे जो वेरिफिकेशन यूनिट है टेक्निकल यूनिट है यूनिट को ये केसेस अलॉट होते हैं वो ऑटोमेटेड अलोकेटेड सिस्टम मीन कंप्यूटर बेस्ड है वो अलोकेशन हो जाता है अब एक बात समझना

मंगाया था अकाउंट्स मंगाया था उसका उसने रिप्लाई नहीं किया करके ठीक है

143.2 का जो स्क्रूटनी का नोटिस था उसमें हमसे आपसे कुछ पूछा था आप उसका रिप्लाई नहीं कर रहे हो तो क्यों ना हम आपका बैच जजमेंट असेसमेंट कर दे उसके लिए वो एक शोकोज नोटिस भेजेंगे उसके बाद में इनफेक्ट फॉरवर्ड रेस्पॉन्स ट तो करेगा, ये intimate करेगा कि assessi बड़ा ही बेशर है अब एक बात अटनिट शैल आफ्टर टेकिंग इन टू अकाउंट ऑल द रिलेवेंट मटीरियल अवेलेबल ऑन द रिक्ड प्रिपेयर इन राइटिंग अब एक बात समझना जो भी उनके पास मटीरियल रहेगा उसके बेसिस पे अब असेसमेंट यूनिट है वो ऑर्डर बनाने जा रही है बट पहले ऑर्डर नहीं बनाएगी असेसमेंट यूनिट क्या करेगी दो चीजें हो सकती है सबसे पहले

एनफेक्ट दो चीजें कर सकता है पहला तो एनफेक्ट क्या करेगा एनफेक्ट शेल कन्वे द असेसमेंट यूनिट को डायरेक्टली बोल सकता है टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑर्डर इन अकॉर्डेंस इनकम और लॉस डिनेशन प्रपोजल विदेर ड्राफ्ट ऑर्डर बोलेगा किसको असेसमेंट यूनिट को कि ओके आपने जो बनाया है इनकम और लॉस डिनेशनिसम करिए अपना ड्राफ्ट ऑर्डर बना दीजिए दूसरा ऐसा हो सकता है कि इनकम और लॉस डिनेशन प्रपोजल है कि इसको रिव्यू कराया जाए तो एनफेक्ट क्या करेगा किसी रिव्यू यूनिट को ऑटोमेटेड एलोकेटेड सिस्टम से वो भेज देगा और रिव्यू यूनिट क्या करेगा अपने सजेशन है वो देगा तो देगा। तो दूसरे पार्ट में क्या आया इनफेक्शन असाइन द इनकम और लॉस डिटर्मिनेशन प्रपोजल टू द रिव्यू यूनिट एंड यहां पे क्या होगा थ्रू द ऑटोमेटेड एलोकेटेड सिस्टम फॉर कंडक्टिंग द रिव्यू ऑफ सच प्रपोजल अब क्या होगा रिव्यू यूनिट कंडक्ट द रिव्यू ऑफ द इनकम और लॉस डिनेशन प्रपोजल टू इट बाय द एंड एंड इट प्रिपेयर अ रिव्यू रिपोर्ट सेंड टू द टून अब रिव्यू रिपोर्ट है वो कौन बनाएगा रिव्यू यूनिट और वो किसको भेजेगा एनफेक को भेजेगा एनफेक् शेल अपॉन रिसीविंग द रिव्यू रिपोर्ट फॉरवर्ड द सेम टू द असेसमेंट यूनिट वो सीधा असेसमेंट यूनिट को भेज देगा कि ये रिव्यू रिपोर्ट आया है रिव्यू वाले यूनिट से करके व्हिच हैड प्रपोज्ड इनकम और लॉस डिटर्मिनेशन प्रपोजल नाउ असेस्मेंट यूनिट शेल आफ्टर कंसिडरिंग सच रिव्यू रिपोर्ट एक्सेप्ट और रिजेक्ट समरिंग रीजन इन केस ऑफ रिजेक्शन प्रिपेर ड्राफ्ट ऑर्डर अब एक बात समझता ने जो भी सजेशन दिए थे उसको या तो एक्सेप्ट किया जाएगा रिजेक्ट किया जाएगा अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो भी लिखेंगे अगर रिजेक्ट कर रहे हैं कोई भी चीज तो उसका भी उनको रीजन देना पड़ेगा कि क्यों ये रिजेक्ट कर रहे हैं जो प्रपोजल इन्होंने जो बनाया था उसमें रिव्यू यूनिट ने कुछ अपने रिव्यू के रिपोर्ट में कुछ चीजें डाली है, उसको एक्सेप्ट

आज अपन ने पढ़ा था वन सी करके दैट इज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल और अगर दो एस है दो अस एस सौन कौन से दो एस कौन कौन से होते हैं या तो अगर नॉन रेजिडेंट कंपनी है जिसके केस में कुछ वेरिएशन हो रहा है या फिर कोई और असेसी है जिसका केस टीपीओ को ट्रांसफर हो रहा है उसकी वजह से अगर इनकम बढ़ रही है लॉसेस कम हो रहे हैं तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा यहां पे सीधा ड्राफ्ट ऑर्डर है वो असएससी को भेजा जाएगा करके ठीक है और ड्राफ्ट ऑर्डर भेजा जाएगा एस के पास ऑप्शन रहेगा विद इन थर्टी डेज या तो एक्सेप्टेंस दे दे या ऑब्जेक्शन कर दे बट अगर वो एस नहीं है तो सीधा ही जो ड्राफ्ट ऑर्डर होता है उसको

एन एन डीआरपी को एनफेक को वहां एओ लिखा था यहां पे एनफेक हो जाएगा ना क्योंकि अल्टीमेटली तो एनफेक है वो ही है वो जो आपका एओ है, यहां पे ये यह समझिए अब उसके बाद में क्या होगा कि वेयर एलिजिबल फाइल द ऑब्जेक्शन विद द देन एनफेक्ट शेल सेंड सच इंटीमेशन अलॉन्ग कॉपी ऑफ ऑब्जेक्शन फाइल टू द एयू अब एक बात समझना अगर मान लो उसने डीआरपी को भेजा था तो डीआरपी के जो भी डायरेक्शन आएंगे वो डायरेक्शन किसके पास में आएंगे एनफेक्ट के पास में आएंगे और एनफेक्ट क्या करेगा अपना जो ऑर्डर है वो बनाएगा किसके अकॉर्डिंग डीआरपी के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बिकॉज डीआरपी के डायरेक्शन है वो इन पे बाइंडिंग रहेंगे दूसरा अगर मान लो असएससी जो है वो ये वाला नहीं है तो उस केस में क्या होगा इन अदर केसेस केसेज कन्वे द असेसमेंट यूनिट टू पास द फाइनल असेसमेंट ऑर्डर इन अकॉर्डेंस विद सच ड्राफ्ट ऑर्डर आफ्टर पास द फाइनल ऑर्डर एंड इनिशिएट पेनल्टी प्रोसीडिंग इफ एनी एंड सेंड टू द एनफेक्ट अगर मान लो वो असएससी वो वाला नहीं है करिए ठीक है तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ एनफेक है वो असेसमेंट यूनिट को बोलेगी कि ड्राफ्ट ऑर्डर को आप एक काम करिए फाइनल ऑर्डर बना दीजिए और फाइनल ऑर्डर बना के किसको भेजेंगे फिर एनफेक को भेजेंगे एनफेक किसको भेजेगा असएससी को भेजेगा अपॉन रिसीविंग द फाइनल ऑर्डर द एनफेकल सर्व कॉपी ऑफ सच ऑर्डर एंड नोटिस टू

Assessment complete records AO jurisdictional AO आपकी फाइल चली जाएगी एक बार, एक बार वापस से समझना चाहूं वर्ड तो में आपको दो मिनट में समझा सकता हूं देखिए सबसे पहले क्या होगा कि एनफेक आपका केस सेलेक्ट करेगा और वो किसी भी असेसमेंट यूनिट को दे देगा फिर आपको एनफेक बताएगा अगर आप, आप असेसमेंट यूनिट को कोई भी वेरिफिकेशन कराना है वो एनफेक को बोलेगा टेक्निकल हेल्प चाहिए वो एनफेक को बोलेगा और एनफेक क्या करेगा असएससी अदर पर्सन टेक्निकल यूनिट वेरिफिकेशन यूनिट से इन्फॉर्मेशन और असेसमेंट यूनिट को देगा अगर मान लो यहां पर कंप्लाई नहीं करता है तो यहाँ पे एनफेक के थ्रू उसको लोगों को नोटिस भिजवाएंगे और बोलेंगे क्यों ना आपका बैच जजमेंट असेसमेंट किया जाए उसके बाद में क्या होगा कि अगर मान लो जो भी उनके बेसिस उनके पास में रिकॉर्ड्स अवेलेबल है उसके बेसिस पे वो लोग क्या करेंगे कि उसमें आपके ऑर्डर uh, बनाने से पहले वो एनफेक को बताएंगे कि ये हम जो है वो बना रहे हैं दैट इज कॉल्ड उसको बोलते हैं दैट इज द कंप्यूटेशन ऑफ लाइक आपका जो भी लॉस दिस इज कॉल्ड योर स्टेटमेंट करके ठीक है इनकम और लॉस डिटर्मिनेशन प्रपोजल बोलते हैं इनकम और लॉस डिटर्मिनेशन प्रपोजल है वो बनाएंगे और वो एनफेक को भेज देंगे अब एनफेक के पास में दो ऑप्शन है या तो एनफेक बोलेगा कि चलिए एक काम करिए अगर कोई वेरिएशन नहीं होता तो इसी के बेसिस पे आप फाइनल ऑर्डर सॉरी ड्राफ्ट ऑर्डर बना दीजिए अगर मान लो यहां पे एनफेक को लगता है कि किसी रिव्यू यूनिट से रिव्यू कराना चाहिए तो वो रिव्यू करा देंगे अगर रिव्यू यूनिट का रिपोर्ट है वो असेसमेंट यूनिट को देंगे असेसमेंट यूनिट उसको कंसिडर करेगा रिजेक्ट करेगा रिजेक्ट करता है रिजेक कर उसको लिख के देना पड़ेगा और उसके बाद में वो क्या करेगा वापस से जो ड्राफ्ट ऑर्डर है वो ड्राफ्ट ऑर्डर किसको भेज देगा एनफेक को भेजेगा अब एनफेक्ट क्या करेगा

ऑफिसर रहते हैं तो मैं बता दूं इसमें एडिशनल कमिश्नर एडिशनल डीआईटी जॉइंट कमिश्नर जॉइंट डायरेक्टर है ये लोग इसमें ऑफिसर रहते हैं एज़ वेल एज़ द डीसी है डीडी well है एसी है एडी है आईटीओ है, है ये लोग रहते हैं इसका मतलब कुल मिलाकर मैं बताऊं अभी तक अगर आप पॉइंट नंबर वन और 2 को देखेंगे तो ऑल असेसिंग ऑफिसर आगे क्योंकि जेसी है उसके बाद में एसीडीसी आईटीओ है उसके बाद में एडिशनल कमिश्नर है एडिशनल डायरेक्टर है वो सब लोग इसमें आ जाते हैं जॉइंट डायरेक्टर वगैरह जो असेसिंग ऑफिसर है वो रहते हैं उसके साथ साथ में कोई भी आईटी अथॉरिटी मिनिस्ट्रियल स्टॉफ एक्टिव कंसल्टेंट समझना है यहाँ पे कुछ एडिशनल पॉइंट से जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे पहली चीज तो यह कि जितने भी कम्युनिकेशन होंगे ना एनफेक के बीच में असेसमेंट यूनिट के बीच में वेरिफिकेशन यूनिट के बीच में टेक्निकल यूनिट के बीच में रिव्यू के यूनिट के बीच में अससी के बीच में या किसी भी पर्सन के केस में वो आपके पूरे

जो भी अगर मान लो जब आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाता है कि आपकी जो प्रपोज इनकम और लॉस डिनेशन प्रपोजल है और उसमें कुछ वेरिएशन हो रहा है तो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा तो आप चाहे तो आप ये बोल सकते हैं कि मुझे मेरे को ओरल प्रेजेंटेशन करना है ओरल प्रेजेंटेशन का मतलब होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपको अपना केस प्रेजेंट करना है तो क्या आप कर सकते हैं आंसर इज है यस आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा और अगर आपने रिक्वेस्ट किया तो उस पर्टिकुलर केस में आपको अलाउ किया जाएगा और आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपका चार्ट अकाउंटेंट है वो अपने पॉइंट वहां पे प्रेजेंट कर सकते है करके ठीक है उसके बाद में एक और चीज समझना अगर आपके पास में कंप्यूटर लैपटॉप का फैसिलिटी नहीं है तो वो लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऐसी फैसिलिटी बनाएंगे आपको प्रोवाइड करेंगे जिसके थ्रू आप ये कर सकते हैं उसके बाद में एक और चीज समझना किसी भी स्टेज पे अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि आपका केस जो है वो केस आपका जो केस है वो आपका केस है वो फेसलेस मैनर में नहीं होना चाहिए फिजिकल असेसमेंट होना चाहिए तो इस पर्टिकुलर केस में PCCIT और करके ठीक है है उनके पास में ये पावर होता बेसिकली टी और पीडी के पास में पावर होता है कि जहां पे भी उनको लगता है आपका केस है वो एओ को ट्रांसफर कर सकते हैं जुडिस को और वो फिर आपका नॉर्मल असेसमेंट करेगा जैसे असेसमेंट होता है वैसे आपका नॉर्मल असेसमेंट करेगा फेसलेस असेसमेंट नहीं होगा तो दिस इज कॉल्ड फेसलेस असेसमेंट अभी देखो फेसलेस असेसमेंट से अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है बट हो सकता है

रेगुलर में पढ़ाता हूँ जितना मैं फास्ट ट्रैक में पढ़ाता हूँ आप देख सुन रहे होंगे रिविजन लेक्चर में उतनी ही चीजें मैंने बताई है हो सकता है कहीं कहीं पे मैंने चीजें हैं वो कट की होगी बट बाकी जगह आप देखोगे तो आपने ये रिकॉल किया होगा कि हर चीज जो मैंने फास्ट ट्रैक बैच में बताई थी वो इस रिविजन लेक्चर में बताई है तो इतना एफर्ट लगता है ना आज का दिन मेरे लिए इतना एग्जॉस्टिव रहा है रहने वाला है क्योंकि लाइक इतना बड़ा टॉपिक अप्रोक्स आप देखेंगे ढाई तीन घंटे के करीब है वो टाइम हो चुका है जिसमें हम असेसमेंट प्रोसेसर एक ही टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं और वो भी इतनी फास्ट स्पीड से कंटिन्यू बोलते रहना जहां मेरे पास ब्रेक भी नहीं है करके ब्रेक मीन्स लाइक वैसा है ना कि कंटिन्यू इसमें बोलना रहता है कंटिन्यू सेक्शंस रहती है तो मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है सर इतना सारा कर रहे हैं आपके लिए रिविजन लेक्चर डाल रहे हैं सर मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ाई पर ध्यान दो आई नीड योर रिजल्ट करके आप क्या दे सकते हैं आप रिजल्ट दे सकते हैं करके तो आप रिजल्ट दीजिए आप रिजल्ट पे ध्यान दीजिए आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए आपका 100 परसेंट कॉन्सेंट्रेशन है वो आपकी पढ़ाई पे होनी चाहिए दैट इज वॉट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू करके मैं सिर्फ आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप रिजल्ट पे ध्यान दीजिए और रिजल्ट तभी आएगा जब आप मेहनत करेंगे सो गिव योर हंड्रेड अच्छे से पढ़ाई करते रहिए दबा के पढ़ाई करिए मजा आ जाए वैसे करके ठीक है प्रोडक्टिव पढ़ाई करिए अपने आप को खुश रख के पढ़िए अमेंडमेंट्स को ध्यान रखिए बिकॉज क्या है एग्जाम में अमेंडमेंट्स आने वाले हैं उसके बाद साथ साथ में एक और मैं बता दूं कि ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए करके ठीक है सब्सक्राइब का तो इसलिए बोल रहा हूँ है ना चैनल पे तीन लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं तो थोड़ा एक ऐसा एक्साइटमेंट होता है ना अगर तीन लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो रहा है तो वो थोड़ा यहां पे हो रहा है तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए करके ठीक है और उसके बाद में अच्छे से पढ़ाई करिए बाकी हम लोग मिलते रहेंगे बाकी मे एग्जाम के लिए मे 2023 के लिए मैं इंडिया टूर पे जा रहा हूँ आप अगर उस सिटीज़ में अवेलेबल है तो आप आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं वहाँ पे अपन बहुत सारे क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे एक तो आर जो है उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसके साथ साथ में बाकी जो अच्छे क्वेश्चन मैंने बनाए हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले है करके ठीक है चलिए तो आज के लिए इतना बहुत है कंटिन्यू करेंगे अगले रिविजन लेक्चर में इसके बाद थैंक यू बाय बाय टेक केयर